अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा यहाँ पे 95 शुरू हो रहा है। हमारे यहाँ पे आयत नंबर 94 से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले की आयत तक कल कवर हो चुका है। रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون और हमने किसी बस्ती में कोई नहीं भेजा कि वहां के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ में ना पकड़ा हो ताकि वो गिर गिराएं। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हर कौम के अंदर हर दौर में हर बस्ती में पैगंबर भेजे गए हैं, और जब इन लोगों ने इस कौम ने पैगंबरों को झुठलाया तो अल्लाह ताला ने उनकी पकड़ कैसे की कि उन पर पहले छोटे छोटे अजाब भेजे ताकि वो अल्लाह की तरफ पलट सकें। छोटे छोटे अजाब क्या होते थे कि उनके लिए या तो बीमारी होती थी या उनके ऊपर जो है वो कहर का अजाब आ जाता था या किसी बीमारी का अजाब आ जाता था। छोटे छोटे अजाब होते थे, कोई इतने बड़े अजाब नहीं होते थे। उसका मकसद ये होता था कि अल्लाह की तरफ पलट जाएं। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? अच्छा, बक्सा यहाँ पे दो चीजें बात हुई। बक्सा व दर्रा, बक्सा का मतलब है कि वो तकलीफ है जो इंसान को बदन के पिलाने होती है, यानी बीमारी जो होती है जिसम की जो बीमारी होती है। और दर्रा से मुराद क्या होता है कि तंग दस्ती, पैसे की माली परेशानी जो होती है वो होती है। तो ये दो किस्म की भेजी गई थी छोटे छोटे अजाब ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह की बारगाह में गिर गिराएं। फिर उन्होंने क्या किया? फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, यहाँ तक कि इनको खूब तरक्की दी और कहने लगे कि हमारे अबाव अजदाद को भी तंगी और राहत पेश आई थी तो हमने इनको दफन पकड़ लिया और इनको खबर भी ना हुई। अब जब इन कौमों ने छोटे छोटे अजाब के बावजूद भी आजी इख्तियार नहीं की तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि उनकी जो बदहाली थी यानी सेहत आ गया था या कोई बीमारी आ गई थी तो अल्लाह ताला ने उनको दुनियावी नेमतों से नवाज दिया। हो सकता है कि अब इनाम पाके जो है वो अल्लाह की तरफ पलट सके। लेकिन उन लोगों ने क्या कहा कि जब उनके हालात अच्छे हो गए तो उन्होंने कहा कि इस तरह के हाल तो आते रहते हैं। हमारे बाप दादा के साथ भी ऐसा हुआ था कि इन पे जो है कभी बीमारियां आई और फिर उनके हालात बेहतर हो गए। तो जब अल्लाह ताला ने देखा इनका ये रवैया है कि वो किसी भी सूरत पे मेरी तरफ नहीं पलट रहे तो फिर अल्लाह ताला ने इनको अचानक अजाब से पकड़ लिया। तो यहाँ पे क्या बात है कि खुशहाली भी जो है वो आजमाइश होती है। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि अगर मैंने किसी बंदे को खुशहाल किया है तो वो माल और सेहत पाके उसका रवैया क्या होता है, क्या वो मेरी तरफ पलटा रहता है या वो जो है इन सब चीजों को अपना अपना कमाल समझता है, उन सब का क्रेडिट खुद लेता है और मेरी तरफ पलटता है या नहीं। तो बदहाली या नुकसान भी आजमाइश होता है और खुशहाली और अल्लाह की इनामात भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश की ही एक फॉर्म होती है। तो हमें हर हाल में क्या करना चाहिए? अल्लाह से रुजू करना चाहिए और अल्लाह का शुक्रगुजार हो जाना चाहिए और अल्लाह को भूलना नहीं चाहिए। आयत नंबर 96। और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो लोग ईमान ले आते और तख्वा अख्तियार कर लेते तो हम उनके ऊपर आसमानों और जमीन की बरकतें खोल देते बजाय अजाब के उनके ऊपर अल्लाह की बरकतें नाजिल होती। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह की भी तकजीब की और रसूलों की भी तकजीब की, तो बावजह उनके अमान के अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। यानी वही बात, इंसान जो है वो खुद अपने ऊपर जुल्म करता है, अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करते। क्या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब शब के वक्त आ पड़े जिस वक्त वो सोते होंगे? और क्या इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेखबर हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ पड़े जिस वक्त वो अपने खेलों में मशगूल होंगे? क्या बस वो अल्लाह की इस पकड़ से बेफिक्र हो गए हैं? सो अल्लाह की पकड़ से जिस इनकी शशामत ही आ गई है और कोई बेफिक्र नहीं होता। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो लोग बच गए हैं, जो लोग बच गए थे अजाब से, उनको कहा जा रहा है कि वो क्यों मुतमईन होकर बैठे हैं कि अल्लाह का अजाब इन पर नहीं आ सकता। क्या वो रात के वक्त सो रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दिन और रात का वक्त कोई मुतय्यन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो रात के वक्त सो रहे हैं, अल्लाह उनको रात का अजाब नहीं देगा, या वो दिन में जाग रहे हैं अपने कामों में मसरूफ हो, उस वक्त अल्लाह अजाब नहीं देगा। नहीं, अल्लाह ताला का अजाब तो कभी भी आ सकता है और उनको अपनी आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं
क्या लोग क्या अल्लाह के अजाब से लोग बेखौफ हो चुके हैं कि जो अजाब दूसरों पर आया है, यानी एक कौम गुजर गई अब दूसरी कौम आ गई, तो क्या वो समझती है कि वो अजाब से पिछलों पर ही आया था, उनके ऊपर नहीं आ सकता, और वो दुनिया में ऐसे मसरूफ हो गए हैं और आखिरत को भूले हुए हैं। असल में क्या वजह है कि अल्लाह ने उनको ढील दे दी है, और ढील क्यों दी है, ताकि वो जो है मजीद गुनाहों में बढ़ जाए, क्योंकि एक वक्त तक तो उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी, अब अल्लाह ने उनको ढील दे दी है और अब किसी भी वक्त उनपे अजाब आ सकता है। आयत नंबर 100। और क्या इन लोगों को जो जमीन के वारिस हुए वहां के लोगों की हलाकत के बाद ये बात नहीं बतलाई कि अगर हम चाहें तो इनके जुराइम के सबब इनको हलाक कर डालें और हम इनके दिलों पर बंद लगा दें, यानी मोहर लगा दें, बस वो ना सुन सकेंगे। यहाँ पे क्या बात होगी कि लोग अपने से पहले वाली कौमों की तारीख से सबक नहीं हासिल करते, वो सिर्फ उसको एक तारीख और किस्से कहानियां समझ के उसको पढ़ते हैं, लेकिन उसको निशान इबरत के तौर पर नहीं लेते, और वो क्या होते हैं, वो बेखौफ और बेखतर होकर वही सब कुछ करते आ रहे हैं जो उनसे पहले के लोग करते रहे थे, और जिसकी वजह से वो अजाब के मुस्तहिक हो गए थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग इस बात को क्यों नहीं समझते, ये इनके किस्सों से नसीहत क्यों नहीं देते कि अगर हम उन कौमों के ऊपर भी अजाब भेज सकते हैं तो इन इस कौम के ऊपर भी अजाब आ सकता है, लेकिन क्या हुआ है, क्योंकि ये हक कबूल नहीं करना चाहते, रसूलों की बात नहीं मानते, अल्लाह की बात नहीं मानते, तो अल्लाह ने इनके दिल पे क्या किया है, अल्लाह ने इनके दिल पे मोहर लगा दी है। क्या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि इन पर हमारा सॉरी आयत नंबर 101, इन बस्तियों के कुछ किस्से हम आपसे बयान कर रहे हैं और इन सब के पास और इन सब के पास इनके पैगंबर मौजजात लेकर आए, फिर जिस चीज को उन्होंने इब्तिदा में झूठा कह दिया ये बात ना हुई कि फिर इसको मान लेते, अल्लाह ताला इसी तरह काफिरों के दिल पर बंद लगा देते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे वही बात की जा रही है कि बहुत सी बस्तियों के अहम किस्से खबरें बयान की गई हैं, लेकिन और पैगंबर खुली खुली निशानियां मौजजात भी लिखे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इनको झुठला दिया, इन पर ईमान नहीं लाए, और क्या हुआ उसके बाद, अल्लाह ताला ने इनके दिल पर मोहर लगा दी, वजह क्या थी कि ना ये इबरत पकड़ रहे थे और ना ही नसीहत हासिल कर रहे थे, और अक्सर लोगों में हमने वफाए अहद ना देखा और हमने अक्सर लोगों को बेहुकुम ही पाया। आयत नंबर 102। यहाँ पे से क्या मुराद है, यहाँ पे मुराद ये है कि इनकी अक्सरियत ने, यानी लोगों की बात की जा रही है, लोगों की अक्सरियत ने अहद नहीं निभाया। अहद कौन सा यहाँ पे बात होगी, अहद अलस्त, जो हम सब ने अल्लाह ताला ने हम सबसे लिया था जब इंसान के अंदर रूह की गई थी, तो अल्लाह ताला ने सबसे अहद दिया था कि मैं तुम्हारा रब हूँ और सिर्फ मेरी ही इबादत करना, तो सब लोगों ने क्या किया कि अक्सरियत ने अल्लाह की नाफरमानी की, किसने की थी, ये शिर्क किया था, अल्लाह के साथ किसी और की इबादत की थी, तो अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह की हुदूद तोड़ने वाली, यानी जो जो अल्लाह के अहकाम थे उनको जो है वो नहीं माना, अल्लाह की हुदूद तोड़ी थी, तो इन सबको अल्लाह ताला का अज़ाब पकड़ लेगा। फिर इनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी दलाई देकर फिरौन और उसके उम्रा के पास भेजा। अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको मौजज़ा देकर फिरौन के पास भेजा था, आयत नंबर 103, ठीक है, 103 है। और फिर इनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी दलाइल देकर फिरौन और इसके उम्रा के पास भेजा, मगर इन लोगों ने इनका बिल्कुल हक अदा ना किया, सो देखो इन मुर्शिदों का अंजाम क्या हुआ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर हूँ, मेरे लिए यही शान है कि वजह सच के अल्लाह की तरफ कोई बात मनसूख ना करूँ, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील लाया हूँ, सो तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दें। तो फिरौन ने कहा, अगर आप कोई मुआवजा लेकर आए हैं तो इसको आप पेश कीजिए अगर आप सच्चे हैं। बस आपने अपना असर डाल दिया, सो दफ्तर में वो एक अजदहा बन गया और अपना हाथ बाहर निकाला, सो वो यकायक सब देखने वालों के लिए बहुत चमकता हुआ हो गया। कौम फिरौन में जो सरदार लोग थे उन्होंने कहा, वाकई ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी जमीन से बाहर कर दे, तो तुम लोग क्या मशवरा देते हो। उन्होंने कहा, आप इनको उनके भाई को मोहलत दीजिए और शहर में हर कारों को भेज दीजिए कि वो सब माहिर जादूगरों को अपने पास लाकर हाजिर कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है पीछे अंबिया का जिक्र किया गया है, अब यहाँ पे बनी इसराइल के सबसे बड़े नबी थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, और इनको क्या कहा हुआ, इनको जो है वो अल्लाह ताला ने कहा था कि फिरौन के पास जाओ और उनसे बात करो, तो वो जो है फिरौन के पास जाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह का पैगाम लेके जाते हैं, लेकिन फिरौन ने भी उनकी बात नहीं मानी। वो कहते थे फिरौन से, वो कहते कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं वही बात करूंगा जो बात सच होगी, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा, और मैं तुम्हारे वो फिर जो है वो वो क्या कहते हैं कि मेरे पास एक अल्लाह की तरफ से बड़ी दलील है, मेरे पास मौजजात है अल्लाह के, और तो मेरे पास जो है वो उनको बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। तो क्या होता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उसको मौजजात दिखाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या क्या मौजजात दिखाए कि वो अपना असर जमीन फेंका तो साफ बन गया, उन्होंने अपना हाथ गरेबान में से निकाला तो वो चमक रहा था, तो जो उसके दरबार में जो लोग मौजूद थे फिरौन के, तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो कोई जादूगर मालूम होता है।
के फिरौन के सरदारों ने कहा कि ये तो कोई बहुत माहिर जादूगर है, तो फिरौन ने भी उनकी बात मानी और ये कहा जो है वो अपने सरदारों से जो दरबार में लोग बैठे थे कि ये शख्स तो ये चाहता है कि तुम लोगों को तुम्हारी बस्ती से यहाँ पे तुम रह रहे हो मिस्र में, ये तुम लोगों को यहाँ से निकलवा दे, तो फिर अब इन लोगों से किस तरह निपटना चाहिए। तो जो उनके सरदार थे उन्होंने क्या कहा कि हम जो है शहर में जितने भी माहिर जादूगर हैं हम उनको बुलाते हैं और इनका मुकाबला इनके साथ करवाते हैं। आयत नंबर 114। अच्छा उस पर अच्छा उस पर इन जादूगरों ने कहा कि अगर हम गालिब आ गए तो मूसा हमारे लिए क्या मुकाम होगा। अभी वो उन्होंने कहा कि अभी मूसा उनके भाई को छोड़ दो और फिर इनका मुकाबला कराया जाएगा और आप पूरे शहर में जो है ना उनको भेजते हैं, हम अपने बंदों को भेज के माहिर जादूगरों को बुलवाते हैं। आयत नंबर 114। अच्छा और जब वो जादूगर लाए गए तो उन्होंने फिरौन के पास कहा कि अगर हम गालिब आ गए तो तुम्हें हाँ तो हमें क्या सिला दोगे। फिरौन ने कहा कि तुम लोग मेरे बहुत ही करीब बंदों में शामिल हो जाओगे। आयत नंबर 115। इन साहिरों ने कहा ए मूसा ख्वाह आप डालिए या हम डाले। अब क्या हुआ अब जो है मुकाबले का वक्त आ गया, अब ये आमने सामने आ गए। ठीक है एक तरफ मूसा अलैहि सलाम है और एक तरफ जो है वो फिरौन के कौम के जो लोग थे। ठीक है तो अब जादूगरों ने मूसा अलैहि सलाम से कहा कि क्या आप पहला खलासा डालेंगे हम डालेंगे। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि तुम डालो। फिर जब जादूगरों ने अपना जादू दिखाया तो लोग महसूर हो गए। ठीक है जो उन्होंने बहुत जबरदस्त जादू दिखाया उनके जादूगरों ने और लोगों को महसूर कर दिया। ठीक है अब क्या हुआ कि जादूगरों ने जो अपनी लाठियां फेंकी तो वो भी अजदहा थी, छोटी छोटी अजदहा बन गई। फिर अल्लाह ताला ने मूसा को वही की कि अब तुम अपना आसा फेंको। जब मूसा अलैहि सलाम ने अपना आसा फेंका तो क्या हुआ एक एक बहुत बड़ा सा जो है वो अजदहा बन गया और उसने सारे छोटे छोटे जो अजदहा थे जो सांप थे उनको निगल लिया और इस झूठ को जो घड़ रहे थे जिन्होंने जो झूठ घड़ा था मूसा अलैहि सलाम के कि ये तो कोई जादूगर मालूम होता है तो उसको कि वो जो है वो बातिल साबित हो गया झूठ और हक जो है वो अपनी जगह साबित हो गया और इनकी जादूगरी धरी के धरी रह गई और वो जादूगर उसी वक्त लम्हे के लम्हे मखलूब हो गए और नाकाम हो गए जलील हो गए। तो यहाँ पे आयत नंबर 119 तक हो गया। अब क्या हुआ बस वो लोग इस मौके पर हार गए और खूब जलील होकर फिरे। वह उल्किय सहारातु साजिदीन और वो जो साहिब थे सजदे में गिर गए। قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون। अभी देखिए उस वक्त का मंजर के वो उन्होंने हजरत मूसा अलैहि सलाम को झूठा साबित करने के लिए एक मनाजरा किया था और अब क्या हुआ कि उनके ऊपर वो उल्टा पड़ गया और वो जो जादूगर थे जो फिरौन के जादूगर थे वो यानी वो हक को पहचान गए जब उन्होंने देखा कि ये जादूगर नहीं है ये तो अल्लाह के पैगम्बर है जिनके पास इतना बड़ा मुआजा है क्योंकि वो जादूगर थे उन्हें समझ थी कि जादू है कि नहीं है तो उसी वक्त वो हक को पहचानते ही अल्लाह के आगे सजदे में गिर पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि हम ईमान ले आए रबुल आलमीन पे जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन कहने लगा तुम मूसा पर ईमान ले आए बगैर इसके कि मैं तुमको इजाजत दूं। अब फिरौन परेशान हो गया कि ये तो उल्टा ही हो गया कि जो मेरे जादूगर थे वो तो मूसा के रब पर ईमान ले आए। तो फिरौन ने कहा कि तुम ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान ले आओ, बेशक ये साजिश थी जिस पर तुम्हारा अमल दरामद हुआ है इस शहर में ताकि तुम सब इस शहर से यहाँ के रहने वालों को निकाल दो। सो अब तुमको हकीकत मालूम हुई जाती है। फिरौन क्या कहता है कि तुम सब मिले हुए थे और ये जादूगर भी ये मूसा अलैहि सलाम कहते हैं तुम एक बड़े जादू करते हो, तुम ही ने इन जादूगरों को ट्रेन किया था और तुम सब मिले हुए हो, तुम्हारी एक टीम है और तुम लोग ये चाहते हो कि यहाँ के रहने वालों को इस बस्ती से निकलवा दिया जाए। अब फिरौन जो है गुस्से में आ जाता है और वो क्या कहता है नंबर 125 में इसकी बात हो रही है कि मैं तुम्हारे एक तरफ का हाथ और दूसरी तरफ के पांव काटूंगा फिर तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने जवाब दिया हम मरकर अपने मालिक ही के पास जाएंगे और तूने हमें कौन सा ऐब देखा है सिवाय इसके कि हम अपने रब के अहकाम पर ईमान ले आए। जब वो हमारे पास आए ऐ हमारे रब हमारे ऊपर सब्र का फैजान फरमा और हमारी जान हालत इस्लाम पर निकाला। कौम फिरौन के सरदारों ने कहा कि क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को यूं ही रहने देंगे कि मुल्क में फसाद करते फिरें और वो आपको और आपके माबूदों को तर्क किए रहें। फिरौन ने कहा कि हम अभी इन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर देंगे और औरतों को जिंदा रहने देंगे और हम इन पर हर तरह का और हमको इन पर हर तरह का जोर है। आयत नंबर 128। ठीक है अब इन्होंने क्या किया कि जब फिरौन ने देखा कि सारे तो जादूगर जो है हजरत मूसा अलैहि सलाम की तरफ हो गए हैं तो फिर उसने उससे मां के क्या कहा कि मैं तुम्हारे हाथ और पांव काट दूंगा मुखालिफ से मैं काटूंगा। ठीक है
और जो है मैं तुम्हें वो बना दूंगा, नमूना इबरत बना दूंगा, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। तो जादूगर क्या कहते हैं कि अगर तुमने मार भी दिया हमें, तो मारने के बाद भी तो हमें अपने रब की तरफ ही जाना है, तो कोई हर्ज नहीं, हम इससे नहीं डरते, और हमें इस बात की उम्मीद है। ना उनका ईमान देखे कि उसी वक्त वो ईमान लाए थे, और कितना मजबूत ईमान था। उन्होंने कहा कि हमें मारना चाहो तो भी मार दो, हमें अपने रब से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी खताओं को माफ कर देगा, क्योंकि हम सबसे पहले ईमान लाने हैं, सबसे पहले वही लोग ईमान लाए ना हजरत मूसा अलैहि सलाम पे। तो वो उससे कहते हैं कि तुम हमसे सिर्फ इतनी सी बात पर नाराज हो रहे कि कहो वो कि हमने अपनी रब की निशानियों को पहचान लिया और उसके ऊपर ईमान ले आए। तो उन्होंने क्या दुआ की, जो वहां पे जो लोग थे, जो फिरौन के दरबार में लोग थे जो ईमान लेके आए थे, उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह हम पर सबर उंडेल दे, क्योंकि आप फिरौन की तकलीफ, फिरौन तकलीफें देता, उनको अजियत देता। तो उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह हम पर सबर डाल दे और हमें मुसलमान फौत करना, यानी ऐसा ना हो कि इसकी तकलीफों की वजह से हम अपना दीन छोड़ दें और मरते वक्त हम मुसलमान ना हो, तो मरते वक्त अल्लाह ताला हमें मुसलमान ही रखना। फिर क्या होता है कि फिरौन की जो कौम के जो दूसरे सरदार होते हैं, जो फिरौन की साइड होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो है फिरौन से कि तो क्या फिरौन तो मूसा को ऐसे ही छोड़ देगा कि वो मिस्र में फसाद करे और तेरी बादशाहत को ना माने और ना तेरे दीन को माने, बल्कि अपना दीन फैलाते रहे। तो इस पे फिरौन ने क्या कहा कि मैं इनके बेटों को कत्ल कर दूंगा और इनकी औरतों को छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे मूसा अलैहि सलाम क्या कहते हैं, मूसा आयत नंबर 128 में है, मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से फरमाया अल्लाह ताला का सहारा हासिल करो और सबर करो। अब क्या कहा मूसा अलैहि सलाम ने, जो इनकी कौम थी, जो लोग ईमान ले आए थे, वो परेशान हो गए ये बात सुनकर फिरौन की, तो वो कहते हैं कि अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करो और सबर करो, ठीक है। और इसी में देखें, ये पॉइंट जो है हमारे अपने लिए भी है सीखने का, कि जब कोई मुसीबत आए, जब कोई परेशानी आए, तो हमें किसकी तरफ पलटना है, अल्लाह की तरफ पलटना है, दुआ करना है, नमाज पढ़नी है और सबर करना है, और अल्लाह से उम्मीद रखनी है और अल्लाह की मदद का इंतजार करना है। बेशक ये जमीन अल्लाह की है और वो लोगों को अपने मशीयत से वारिस बनाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, जमीन तो अल्लाह की है, अल्लाह ताला ही हमें इस जमीन के वारिस बनाएंगे, और ये जो फिरौन है इसकी हुकूमत हमेशा नहीं रहने वाली है। और जो तकवा अख्तियार करता है तो असल कामयाबी उसी के लिए ही होती है। तो कामयाबी का राज क्या है, दुआ है, सबर है, तकवा है। आयत नंबर 129, कौम के लोग कहने लगे कि हम तो हमेशा मुसीबत ही में रहे, आपकी तशरीफ आवरी से कबल भी और आपकी तशरीफ आवरी के बाद भी। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और बजाय इनके तुमको इस जमीन का खलीफा बना देगा, फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा। अच्छा, उनकी कौम जो थी बनी इसराइल थी, उन्होंने क्या कहा जब मूसा अलैहि सलाम आ गए, तो उन्होंने क्या कहा कि एक अच्छा असल में सरदार नहीं मानते थे, जो इलीट क्लास थी ना फिरौन की, जैसे शुएब अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ था, उनके सरदार थे वो जो है वो आपको नहीं पहचानते थे, लेकिन जो गरीब लोग थे, जो मिस्कीन थे, वो जो है वो पैगंबरों पे ईमान ले आते थे। यहाँ पे ये हुआ, बनी इसराइल जो थी वो तो उनपे ईमान लाती थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, लेकिन जो बादशाह था वहाँ का, जो इलीट क्लास थी, जो उसके सरदार थे, वो लोग ईमान नहीं लाते थे। अब इनकी कौम क्या कह रही है मूसा अलैहिस्सलाम से कि आपकी विलादत से पहले भी हम बहुत सताए गए हैं, हमारे पर अजाब आए हैं, हमें परेशानियां हुई हैं, अब आप आगे हैं तो भी हमारे साथ यही मसले मसाइल हैं, तो हम क्या करें। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि सबर करो, अल्लाह ताला इनको हलाक कर देगा तुम्हारे दुश्मनों को और तुम्हें खलीफा बना देगा, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान देंगे और देखेंगे कि तुम्हारा तर्ज अमल क्या होता है, क्या तुम उसी तरह अल्लाह की तरफ कनेक्टेड रहते हो, अल्लाह से ही रुजू करते हो जिस तरह अभी कर रहे हो परेशान होकर, या फिर तुम्हारा तर्ज अमल बदल जाता है। और यही चीज जो है ये इम्तिहान होता है, यही चीज हमारे साथ भी जिंदगी में आती है कि जब हम खुशी मिलती है तो हम क्या खुशी में फूले ना समाते हुए क्या क्या अल्लाह की जो है वो नफरमानियां कर बैठते हैं, और जब कोई गम आता है, परेशानी आती है, तो हमारे वक्त दुआ कर रहे होते हैं, हर किस्म की नमाज भी हो रही होती है, तहज्जुद भी हो रही होती है, और रोजे भी रखे जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हमें खुशी मिलती है तो हम हर चीज भूल जाते हैं, और बाज़ दफा क्या होता है कि नमाजें भी मिस होने लग जाती हैं। तो अल्लाह ताला जो है मुश्किल वक्त में बंदों के अमाल को देखता है कि खुशी के वक्त नेमत को काफी तकब्बुर तो नहीं करता। यहाँ पे ये बात हमारे सीखने की है। आयत नंबर 129 होगी, 130। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने फिरौन को जो है वो अजाब देना शुरू कर दिया, और हमने फिरौन वालों को मुब्तला किया फहद सारी में और फलों की कम पैदावारी में, ताकि वो नसीहत कबूल करें। तो जब इन पर खुशहाली आ जाती तो कहते कि ये तो हमारे लिए होना ही चाहिए, और अगर इनको कोई बदहाली पेश आती तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को नहुसत बतलाते, याद रखो इनकी नहुसत अल्लाह ताला के पास है, लेकिन इनके अक्सर लोग नहीं जानते, और ये यूं कहते हैं कैसी बात हमारे सामने लाओ, इनके जरिए से हम पर जादू चलाओ, जब भी हम तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे।
अच्छा आयत नंबर 130 में क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने क्या किया कि अहले फिरौन को कहन साली के साथ पकड़ा, और ये सिलसिला काफी साल तक चलता रहा, यानी इनके फलों की पैदावार कम हो गई थी, और अल्लाह ने इसीलिए कहा किया कि देखिए छोटे छोटे अजाब दिए ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू कर सके, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मजीद वो तकबर में बढ़ गए, उन्होंने अल्लाह की नसीहत कबूल नहीं की। फिर क्या हुआ, मुसीबत के बाद जब अच्छे दिन आए, जब उनका ये खत्म हो गया कहे जन अच्छा आ गए, तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो हमारा हक था, जैसे पिछली कौमें कहा करती थी ये तो हमारा हक था, ये अल्लाह की तरफ से एहसान या नियमत नहीं समझा, और अगर कोई मुसीबत पहुंचती तो क्या होता, वो कहते कि ये तो मूसा और उसके साथियों की नहुसत है, और जब अच्छे हालात हो जाते तो कहते थे ये तो हमारा हक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो दिलों के हाल जानता है, और किसी भी शख्स की वजह से नहुसत नहीं होती। और अच्छा इस बात को हम इस तरह से समझेंगे कि बहुत से हमारे घरों में और ये हमारे मुआशरे में बल्कि कहा जाए कि किसी चीज को हम मनहूस कह देते हैं, किसी शख्स को, किसी बच्चे को, किसी लड़की को, और कि ये आई घर में उसकी वजह से नहुसत हो गई, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसा नहीं होता, कोई शख्स भी नहुस नहीं होता, कोई दिन नहुस नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ये वाला दिन, ये वाली तारीख नहुस है, इस पे शादी नहीं करेंगे, या इस पे हमारे किसी का इंतकाल हुआ है तो हम कोई खुशी नहीं मनाएंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जो है हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है, और कोई शख्स और कोई भी चीज जो है वो मनहूस या नहुसत नहीं होती, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और यूं कहते कैसी ही बात हमारे सामने लाओ कि इनके जरिए से हम पर जादू चलाओ, जब भी हम तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानेंगे। यानी ये अपने कुफर में इस कदर मुब्तला थे, और कहते थे कि हमारे पर कोई भी अल्लाह का मुआवजा ले आओ, आयत इलाही ले आओ, ठीक है, लेकिन हम जो है वो किसी भी किस्म, वो तो जादू कहते थे ना कि ये तो जादू है, तो किसी भी किस्म का जादू चलाओ, नाउज़ुबिल्लाह जादू कहते थे अल्लाह की आयत को, लेकिन हम तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर एक और अजाब भेजा, फिर हमने इन पर तूफान भेजा, और टिड्डियां और घिन और घुन का कीड़ा और मेंढक और खून, ये सब खुले मुआवजात थे। सो तकबर करते रहे, और वो लोग कुछ थे ही जराइम पेशा। अब अल्लाह ताला ने इनके ऊपर क्या भेजा, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर भेजा तूफान भेजा, बहुत शदीद बारिश हुई जिससे हर चीज गर्क हो गई थी, और बहुत ज्यादा अमवात हुई थी, ठीक है, और इतनी अमवात थी कि हर घर में मौत हो गई थी। उसके बाद फिर भी ये नहीं पलटे अलग तक, फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, टड्डी दिल का हमला, यानी जो फसलें होती है ना उसके ऊपर टड्डी दिल जो जानवर होते छोटे छोटे, वो उसको हमला किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, टिड्डियों ने इनके गिल्लों और फलों की फसल को खा जाती थी, यानी जो भी इनकी फसलें होती थी खाने पीने की उनको खा जाती थी। अच्छा यहाँ पे वर्ड हुआ है कोमल, कोमल से क्या मुराद है, जुए होती है, ये जुए थी जो इंसानों के उस वक्त इनके जिस्म कपड़ों बालों में लग गई थी। घुन होता है, घुन का जो कीड़ा होता है जो गले में लग जाता है, ठीक है, तो वो उनको लग गया, इनका सारा जो है वो गला खत्म हो गया। इतनी कसरत से सख्त परेशानी बतौर अजाब जो है वो आई, और अब उनकी परेशानियां सोचे कि घरों में मेंढक हो गए, मेंढक हर जगह से मेंढक निकल रहे, बिस्तरों के नीचे से और रोडों पे, घर में, किचन में, हर जगह मेंढक हैं, और फिर जो है वो टड्डियां आ गई हैं, घुन का कीड़ा है, खाना नहीं खा सकते, और ये पानी जो था वो खून बन गया था, कितने शदीद इनके ऊपर अजाब आ गए थे, पानी पीना इनके लिए जो है वो मुमकिन नहीं था। और किसी ने यहाँ पे इसको इससे मुराद दिया है कि नक्सीर फूट पड़ी थी, इनकी नाकों से खून बहना शुरू हो गए थे, हर शख्स की नाक से खून जा रहा था, इतने खुले खुले अजाब, इतने खुले खुले मौज इनके पास वक्फे वक्फे से आते रहे, लेकिन इनका तर्ज अमल क्या था, ये अपने कुफर पे डटे रहे। और फिर जब इनसे अजाब को एक खास वक्त तक, इस वक्त तक इनको पहुंचना हटा देते, यानी एक वक्त एक खास लिमिट होती थी कि इस वक्त तक एक अजाब आया इनके ऊपर, फिर लाइन को ढील देते, वो देखते थे कि इनका रवैया क्या होता है, क्या ही पलटते हैं, तो क्या वो उस वक्त वो कहते थे कि हम ईमान ले आएंगे, ए मूसा आप अपने रब से दुआ करें कि हमारे हमें इस अजाब को हटा दें, हम ईमान ले आएंगे, हम इस्तकामत से रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो अजाब हटता फिर वो अपनी पुरानी रवैये के ऊपर आ जाते हैं, फिर वो अपनी पुरानी रविश के ऊपर आ जाते हैं, और वो अहद शिकनी करने लगते हैं। या उसकी वजह क्या थी कि इनके दिलों में तकबर था, रौनक थी, वो हक को जो है वो हक हक की राह पे नहीं चलते थे, हक को क्या समझते थे, ये हमारे पाँव की जंजीर है, इतनी वाज़ह निशानियां देखने के बावजूद भी वो ईमान नहीं रहे। फिर अब अल्लाह ताला ने आखिर तक क्या किया, वो आयत नंबर 136, फिर हमने इनसे बदला लिया, यानी इनको दरिया में गर्क कर दिया, इसी सबब से कि वो हमारी आयात को झुठलाते थे, इससे बिल्कुल ही गफलत करते थे, यानी इतनी बड़ी बड़ी निशानियों के बावजूद ईमानदार नहीं लाए वो, और आखरत से बेखबर है, अल्लाह के अजाब से उनको कोई डर नहीं था, ठीक है, वो यही कहते थे कि ये अजाब तो ये नहुसत है मूसा अलैहिस्सलाम की, और जब हालात सही होते कि हमारी वजह से हालात सही हो गए, तो फिर अल्लाह ताला ने बाल आखिर उनको पकड़ लिया, और क्या किया, उनको दरिया में गर्क कर दिया। उसकी वजह क्या थी कि वो अल्लाह के अहकाम को नहीं मानते थे, और देखेंगे उनके
के ऊपर अजाब क्यों आया, आयात को झुठलाने अल्लाह के अहकाम को ना मानने की वजह से आया। तो हमें भी अपने ऊपर अपने दिलों पर झांकना है, अपने ऊपर नजर सानी करनी, क्या हम अल्लाह की आयात को झुठला रहे हैं, क्या हम अल्लाह के अहकाम को पूरा कर रहे हैं, और अगर हमारे आस पास जो हमारी अपनी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफात है, इसकी वजह क्या है। तो इस चीज़ पर हमें गौर करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमारे अबाउजात को भी ये परेशानियाँ आती थी, तो आती रहती है जमाने के साथ साथ, नहीं, बल्कि अपने तर्ज अमल और अपनी हालत के ऊपर भी नजर डालनी चाहिए। शाजिया आप करें कंटिन्यू आगे। जी जी जज़ाकअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने मैंने एक बार छोड़ दिया आई थिंक। जी मैं कर लेती हूँ, टॉपिक भी चेंज हो रहा है। टॉपिक तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन बात दूसरी शुरू हो रही है। चले आप शुरू। आयत नंबर 136 तक किया ना आपने, 137 से कंटिन्यू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. अच्छा एक दुआ है वो एक्सप्लेन तो कर दी है सना ने, लेकिन उसको आप अंडरलाइन कर लें। आयत 126 और छोटी सी दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है, क्योंकि हम अपने बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे कभी कभी हमारे सब्र का इम्तहान ले लेते हैं। तो वो है 126 में, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रं वतवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। जनरली भी पढ़ने की दुआ है, दुनिया के आजमाइशों के लिए सब्र चाहिए, लेकिन घर में या जो दूसरे हमारे जो बेसिक हमारे जिम्मेदारी हैं उसके हवाले से कभी कभी ऐसी चीज़ आ जाती है कि आप बिल्कुल ही एकदम आप थ्रेश होल्ड पर चले जाते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये उस कंडीशन में चाहे कोई भी मामला हो कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, यानी उंडेल दे, फराख कर दे, मतलब पूरा भर दे, जैसे गिलास को भर देते हैं ना और फिर उसमें से गिरने लग जाता है, मतलब पर इतना सब्र डाल दे, पूरा खाली कर दे बर्तन हम पर सब्र का, कि पूरा ही बर्तन उंडेल दिया। तवफ्फना मुस्लिमीन, छोटी सी दुआ है, बहुत जामे दुआ, इसको हाईलाइट कर लें या लिख लें। हम कंटिन्यू करेंगे आयत 137 से। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. और हमने इन लोगों को जो कि बिल्कुल कमजोर थे, बिल्कुल कमजोर शुमार किए जाते थे, क्या करती कमजोर कहाँ शुमार किए जाते थे, मशारिक और मगारिब में जमीन के, यानी मशहूर थी बनी इसराइल की कौम, क्योंकि फिरौन मशहूर था, फिरौन की कौम मशहूर थी। तो फिरौन ने लाखों लोगों को जो गुलाम बनाया हुआ था भी मशहूर बना दिए, तो गुलाम कौन है, ठीक है। जैसे USA आज के जमाने में किसी मुल्क पे हमला करता है तो दुनिया में कितने मुल्क हैं, हमें उन ममालिक के सही से नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन सारे मुल्कों में पता चल जाता है कि यूएसए ने फला जगह पे हमला किया, ठीक है। नाम तो वो यूनाइटेड स्टेट्स, वो अक़वामे मुत्तहिदा का होता है, लेकिन बेसिकली आपको पता ही है क्या सिलसिला है पॉलिटिक्स का इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये भी मशहूर थे मशारिक और मगारिब में कि भाई ये बनी इसराइल गुलाम कौन है, तो अल्लाह ने उन्हीं को क्या किया, औरसना वारिस बना दिया, यानी फिरौन पे गलबा दिया। पीछे जहाँ तक बात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह समझ आई होगी, अब पांसा पलट गया। पांसा क्या पलट गया कि अब वही कौम जो है फिरौन तबाह हो गया, और उन्हीं की जो भेजी हुई चीज़ें थी, क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे कि वो सारे जो उनको फॉलो करते हुए फिरौन पीछे डूब गए, उनके जेवरात ऊपर आ गए, उन जेवरों के मालिक वो बन गए। मतलब हम समझते हैं औरतें पहनी होती थी, मर्द भी पहने होते थे जेवरात, इतना सोना उनके हाथ लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि हमने उस कौम को क्या कर दिया, मालिक बना दिया पूरा पश्चिम का, जिसमें हमने बरकत रखी थी। क्या मुराद है, फलस्तीन भी मुराद, ठीक है। और आपके आपके रब का नेक वादा बनी इसराइल के हक में इनके सब्र की वजह से पूरा हो गया। अच्छा जी सब्र जो है, पीछे सब्र की दुआ मांगी, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि सब्र के साथ जब बेटों को दोबारा कत्ल करना शुरू किया बच्चों को, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। पीछे हम सूरह बकरा में भी देख रहे हैं, बकरा में वहां पे भी कहा गया था यह लजीनामू इस्तईनु बिस्सब्री वस्सला। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि बावजह उनके सब्र किया हमने उन्हें क्या अता कर दी, इनको लीडरशिप दे दी या हुकूमत दे दी। वदम्मरना, और हमने फिरौन और इसकी कौम के साख्ता परदाख्ता कारों को और जो कुछ वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे सबको दरहम बरहम कर दिया। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी पर अजाब भेजने का इरादा करते हैं तो उसकी कैसी ही स्टेटस दुनियावी हो या वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कोई चीज़ काम नहीं आती। वमा यारुशून से क्या बोला था, ऊपर चढ़ाना बेले भी चढ़ाना, क्योंकि रहते थे रेगिस्तान में, फिरौन के पास जो ताकत थी, देखिए वसाइल से होती है ताकत, आज भी जो मुल्क मजबूत है वजह उनकी ये है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, खास करके जंगी रिसोर्सेज हैं,
ठीक है ना, जो बड़े बड़े मुल्क हैं आप देखें, आप अपने घर में एक नजर डालें, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो अमेरिका के थ्रू आपके पास ना पहुंचे। कोई ना कोई चीज आपने परचेज की होगी, कुछ खरीदा होगा, कुछ ना कुछ होगा ऐसा। तो वसाइल दुनियावी तरक्की आप लोग ये किसी भी कौम को या किसी भी इंसान को रूच पे ले जाते। तो यारिशून क्योंकि ये बहुत तरक्की याफ्ता कौम थी, इनके पास बहुत वसाइल थे। फिरौन ने अपना आबपाशी का निज़ाम, नहरी निज़ाम इतना जबरदस्त बनाया हुआ था, ये जो पीछे आ रहा है ना, पीछे अभी गुजरे अजाब, इसमें क्या था कि कहत पड़ गया, तो अल्लाह ने वो पानी ही रोक लिया। ये सहरा को इन्होंने गुलजार बनाया था, इनकी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन थी, बहुत ज्यादा फसलें उगाते थे। और यारिशून क्योंकि बेलें वगैरह ऊपर चढ़ाई जाती हैं, खासकर के अंगूर वगैरह की बेल जो इनके अरब में, आपको पता है हफ्सम के हवाले से भी हम जानते हैं कि मक्का की जो आयात है उसमें तस्करे हैं इनके, तो अंगूर वगैरह ज्यादा उगाए जाते हैं। यारिशून इमारतें, दूसरी चीज इनकी बड़ी मजबूती अहराम है मिस्र हमारे पास मौजूद है, कि रेगिस्तानों में इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना रखी थी। ठीक हो गया, आयत 137 पे आ जाते हैं। और हमने बने इसराइल को दरिया से पार उतार दिया, बस इन लोगों का एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों से लगे बैठे थे, कहने लगे ए मूसा हमारे लिए भी एक माबूद ऐसा ही मुकर्रर कर दीजिए। कालू या मूसा जअलना इलाहन कमा लहुम आलिहा قال انكم قوم تجهلون। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया क्या जहालत की बातें करते हो मुझसे, क्या जहालत कर रहे हो। हुआ क्या, जब हजरत मूसा अलैहि सलाम लेके निकले इनको बनी इसराइलियों को, जो कुछ लाख में थे, पीछे से फिरौन आया अपनी सारी, अच्छा फिरौन ने भी क्या किया, सबको जमा कर लिया ये दिखाने के लिए, देखो मैं इन कैसे कत्ल करूंगा, कैसे इनको मिट्टी में मिलाऊंगा। कुरान में भी डायलॉग आएंगे, सूरह ताहा में इसका आ जाएगा डिटेल में इंशाल्लाह। तो हजरत मूसा ने ऐसा मारा, समंदर फट गया, हजरत मूसा खुश्क रास्ता बन गया, हजरत मूसा क्रॉस कर गए, बनी इसराइल क्रॉस कर गए, पीछे फिरौन आया, उसका लश्कर आया, जब समंदर के बीच में पहुंचा पानी मिल गया, पानी मिलने के बाद क्या हुआ, उनके जेवर वगैरह ऊपर आए, इन्होंने उठाए ये सारे, चल दिया आगे आगे सहरा में पूछे पहुंचे, तो वहां पे इन्होंने देखा कि एक कौम है जो बुतों के आगे सजदा कर रही है, तो डिमांड करने लगे। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आदतें बहुत पुख्ता हो जाती हैं वो छोड़ना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये गुलाम कौम थी, सालों गुलाम रही। और साथ साथ क्या कि ये वहां देखते थे इस चीज को, उनमें मोमिन थे लेकिन ये मुतासिर होते थे, ये देखते थे उनसे, क्योंकि जब बंदा गुलामी की सतह पे जीता है तो उसका अपना कोई मयार नहीं होता, तो वो खराब चीजों से भी मुतासिर होता है। आप भी अपने अंदर देखें, मैं भी देखें, कि जब हमारे ईमान कमजोर होते हैं तो हम दुनियावी चीजों से बड़े मुतासिर होने लगते हैं। अभी आगे किस्सा आएगा जादूगर का, तो उसमें भी हमें पता चलेगा जो जमीन में धस गया था उस जादू के हवाले से भी हम इस चीज को देखेंगे। इन्ना उलाई मतबर्रुम फीही वबातिल वो बातुल मकान यामलून आयत 139, ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये तबाह किया जाएगा, और इनका काम महज बेबुनियाद है, क्योंकि शिर्क की कोई बुनियाद नहीं है, शिर्क कर रहे थे ना। फरमाया कि अल्लाह ताला के सिवा और किसी को तुम्हारा माबूद तजवीज कर दूं, हालांकि इसने तुमको तमाम जहान वालों पर फोकियत दी है। ये शदीद एक मिसाल थी नाशुक्री की, कि अल्लाह ने आपके सामने इतने मजबूत दुश्मन को डिबो दिया, आपको पार करवा दिया, और इसके बावजूद अब आप अल्लाह को छोड़कर किसी और माबूद की तलाश कर रहे हैं। आयत 141, और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फिरौन वालों से बचा लिया, कि तुमको बड़ी सख्त तकलीफें पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी भारी आजमाइश थी। वबअथना मूसा 30 लैला तो वअतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीकातु रब्बी 40 लैला, और हमने मूसा अलैहि सलाम से 30 रातों का वादा किया और 10 रात मजीद इनसे इन 30 रातों को पूरा किया। हजरत मूसा अलैहि सलाम निकले थे अपनी कौम के पास से, अब ये सहरा में है, वहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलाते हैं तौरात देने के लिए गुहे तूर पे। ये 30 रातों की बात होती है, हजरत मूसा पीछे 30 रातों का कह के जाते हैं, लेकिन वहाँ किसी वजह से उन्हें 10 रातें और रुकनी पड़ती हैं। तो उनके पीछे जो उनकी कौम है, अब वो क्या करती है, सिर्फ 10 दिन लेट होते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो देखिए पीछे क्या होगा। अच्छा, जाते वक्त क्योंकि हजरत मूसा ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह से सिफारिश की थी, तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी पैगम्बरी मिली, अब वो पीछे कौम में मौजूद है, तो हजरत मूसा उनको कुछ नसीहत करके जाते हैं। वो कहते हैं वकाला मूसा लियखी हारून खुल्फनी फी कौमी व असलह वला तत्तबी सबील मुफसिदीन। सो इनके परवरदिगार का वक्त पूरा 40 रात का हो गया। मूसा अलैहि सलाम ने अपने भाई हारून अलैहि सलाम से कहा कि मेरे बाद इनका इंतजाम रखना और इसलाह करते रहना और बदनजम लोगों की राय पे अमल मत करना। और जब मूसा अलैहि सलाम हमारे वक्त पर आए और इनके रब ने इनसे बातें की, अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार अपना दीदार मुझ पर करा। قال ربي أرني أنظر إليك, ये मोहब्बत की इंतहा है। हजरत मूसा अलैहि सलाम के दिल में मोहब्बत है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम कर रहे हैं, दिल में ख्वाहिश तो आ गई, तो ख्वाहिश तकाजा वो भी करेंगे, बनी इसराइल के सरदार भी करेंगे, हमें अल्लाह को देखना है, लेकिन उनका दिल में कुछ और है, यहाँ दिल में मोहब्बत है, ये फर्ते मोहब्बत में कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं आपको जो है देखना चाहता हूँ।
अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कौल लन तरानी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया देखो तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते, वलाकिन नज़ुर इला जबल, लेकिन तुम देखो उस पहाड़ की तरफ देखो, फ़ैन इस्तक़र्रा मकानहु, अगर ये अपनी जगह पे कायम रहा, फ़सव्वा तरानी, तो तुम भी मुझे देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल्जबल, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तजल्ली फरमाई किस पर, पहाड़ पर, जअलहु दक्का, तो जअलहु कर दिया पहाड़ को क्या, दक्का, दक्कम दक्का हम पढ़ते ना, दक्का, रेजा रेजा, मुंबसा कर दिया, तबाह हो गया पहाड़, जर्रे जर्रे हो गए। वखर्रा मूसा सायका सायका, और मूसा अलैहिस्सलाम क्या हुए, बेहोश होकर गिर पड़े। अब ये इनडायरेक्ट एक तजल्ली हुई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्ली हुई पहाड़ पे, और पहाड़ से इनडायरेक्ट तजल्ली किस पे हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। फलम्मा अफाका, जब वो बेहतर हुए, कौला सुभानक इलैका वअना अव्वलुल मोमिनीन, कहने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत तू पाक है और मैं तौबा करता हूँ अपनी इस डिमांड की वजह से, और मैं पहला हूँ तुझ पर ईमान लाने वालों में से। قالوا يا موسى ان استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فقط ما اعطيتك وهم من الشاكرين، ارشاد ہوا کہ موسی میں نے پیغمبر دی اور اپنی ہم کلامی سے اور تم سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر ادا کرو۔ اب کیا عطا ہونے والا تھا، ایک تو نبوت دی گئی، پھر دیکھیے ہم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم یہ آیت پڑھ کر رہے ہیں تیسرے پارے کے شروع ہونے میں، تو اس میں ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ رسولوں کو مختلف فضیلت دی گئی، یہ کلام کی فضیلت جو ہے یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ معراج کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج پہ اللہ رب العزت سے کلام کیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جس نے یہ بات کہی اس نے سراسر جھوٹ کہا، کلام نہیں سوری دیکھا، کلام تو کیا دیکھا، جس نے کہا یہ ہے کہ ایسے دیکھا تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے قرآن سے، دوسری یہ بات قرآن کی ایک آدھ آیت ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان شاء اللہ آئے گی تو میں بتاؤں گی آپ کو اس وقت، کہ لا تدرک الابصار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو کوئی نگاہیں نہیں پا سکتی، لیکن اللہ رب العزت سب کو دیکھ سکتے ہیں، سب کا ادراک کر سکتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو وہ آنکھیں نہیں ہیں، ہم سمندر سورج کو ڈائریکٹ دیکھیں، ہماری لمٹس ہیں نا، جنت میں جانے کے بعد ہماری باڈیز موڈیفائی ہو جائیں گی، ہم زیادہ کھا بھی سکیں گے، پی بھی سکیں گے، ہماری ٹیسٹ بڈس بھی بڑھ جائیں گے، ہم انجوائے زیادہ کر سکیں گے، اور وہاں اللہ رب العزت کو دیکھا جا سکے گا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اب یہاں پہ کیا کیا دیا جا رہا ہے، شکر گزاری کے حوالے سے کہ شکر کرنا ہے، میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، اس میں تورات بھی شامل ہے، اور ہم نے چند تقریب پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، 10 کمانڈمنٹس تھی مین، قرآن میں بھی ہے وہ 10 کمانڈمنٹس، قرآن میں آیت آئے گی ان شاء اللہ، مجھے اس وقت ذہن رکھے تو میں آپ کو بتاؤں گی، یہ وہ سیم چیزیں ہیں جو تورات میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی اور قرآن میں بھی نازل کی، تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اچھے اچھے کام پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں، آیت نمبر 145، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگزشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ تو اگر قرآن دل پہ نہیں اتر رہا تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھنی ہے کہ مجھ میں تکبر تو نہیں ہے، قرآن پہ میں عمل نہیں کر پا رہی، یہ تکبر کا سائڈ افیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پہ کیوں نہیں عمل ہوتا، قرآن اللہ کی پیاری کتاب ہے، قرآن سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، متکبرین اللہ کے قریب کیسے ہوتے ہیں؟ تکبر کے لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ میری چادر ہے، تو جو کوئی تکبر کرتا ہے اس نے کیا کر چادر کھینچ لی، آپ کوئی عورت گاؤن پہن کے جا رہی ہے اس پر گاؤن کھینچ لی کیسے لگے گا اس عورت کو، تو بڑائی جو ہے نا وہ اللہ کی چادر ہے، ہم کیوں بڑے بننے کی کوشش کریں؟ جن کا ان کا کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس طریقوں کو اپنا راستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس طریقوں کو اپنا راستہ بنا لیں، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ ان سے غافل تھے۔ متکبرین ہیں، اللہ کی نشانی کو جھٹلا رہے ہیں، اور وجوہات دو ہیں، بھی انہم کذبوا بآیاتنا، کہ نمبر ایک کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ کانوا عنہا غافلین، اور یہ دوسرا کہ وہ غفلت برتتے ہیں۔ اب یہ ہم اللہ کی آیات کو تو نہیں جھٹلاتے، لیکن ہم بھی غافل ہوتے ہیں، جب ہمارے دل غافل ہوتے ہیں تو اسلام ہم سے انجانا ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے تعلق ہمارا کمزور ہونے لگتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ ابھی تو اعمالہم هل یجزون الا ما کانوا یعملون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام غارت ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سامری کا قصہ ہوگا، اب بیچ میں ہی ساری باتیں ہو گئی، اب کنیکشن بنا لے واپس وہیں سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے گئے ہیں، 40 راتیں، 10 دن اوپر ہو گئے، پیچھے یہ سامری جو تھا یہ موجود ہے ان میں، یہ جادوگر ہے، اور اس نے کیا کیا، اس نے وہاں پبلک کو کہا کہ حضرت موسیٰ تو بھول گئے تم، ٹھیک ہے، اور آؤ چلو مل کر ہم ایک بت بناتے ہیں، وہ لوگوں سے زیورات کلیکٹ کرتا ہے، ان کو میلٹ کرتا ہے اور ایک اسٹیچو بناتا ہے اس کا، بچھڑے کا، کیونکہ وہاں پہ موسیٰ فرعون بھی بچھڑے کی بھی عبادت کرتا تھا، اس کو بھی خدا کہتا تھا، لیکن معبود بھی تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ 100% اپنے آپ کو خدا نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک سیریز تھی فرعون کی، ٹھیک ہے، بادشاہ در بادشاہ آ رہے تھے۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ جانتا تھا کہ مجھے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا،
कहता था अना रब्बुकुम अला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब दावा करता था, लेकिन उसको पता था खुद भी कि दावा मेरा इतना मजबूत नहीं है। बहरहाल वो दूसरे खुदा को भी पूछता था क्योंकि तकदीस थी बच गई की यहाँ आले ये फिरौनी बनी इसराइल के दिल में। उन्होंने इस ऑप्शन को कबूल कर लिया, सबने कबूल नहीं किया, कुछ ने कबूल किया। उन्होंने बछड़ा बनाया, अब उसने ऐसा बछड़ा बनाया कि रिवायात दो तीन रिवायतें, खैर एक बता देती हूँ कि हवा इस तरह से उसमें घुसती थी, जब हवा उसमें से ट्रेवल करती थी तो उसमें से बकायदा आवाज निकलती थी जैसे कि वो बोल रहा हो। आयत नंबर 148 पे हूँ मैं जी। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा माबूद ठहरा लिया जो कि कालिब था, यानी कालिब का मतलब एक स्टैच्यू कह लें आप, स्टैच्यू था जिसमें एक आवाज थी। क्या उन्होंने ये ना देखा कि वो इनसे बात नहीं करता और ना इनको कोई राह बतलाता है? ये सिंपल सी बात है, जब भी बुतों की पूजा की जाएगी दो चीजें देखी जाएंगी, क्या ये बुत काम करते करते हैं तो फिर आपकी बात में कोई दम है, अदरवाइज आप बातिल बातिल परस्ती कर रहे हैं। इसको उन्होंने माबूद करार दिया और बड़ी बेइंसाफी का काम किया गया। इत्तखज़ूहु व कानू ज़ालिमीन, बड़े ज़ालिम थे। ये वाकया इंशाल्लाह सूरह ताहा में आ जाएगा। और जब वो नादिम हुए, वलम्मा सुकिता फी अयदीहिम वराउ अन्नहुम क़द ज़ल्लू, और जब नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए हैं तो कहने लगे ए हमारे रब, अब यहाँ एक दुआ आ रही है, क़ालू ला इल्लम यरहमना रब्बुना व यग़फिर लना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। उन्होंने दुआ की और उन्होंने क्या कहा कि ए अगर हमारा रब हम पर रहम ना करे और हमारा गुनाह माफ ना करे तो हम बिल्कुल गए गुजरे हो जाएंगे। ये कब हुआ था? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे थे, भी आगे बात आ जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे, उन्होंने उस बछड़े को जलाया, उसकी राख बनाई और उसको फिर बिखेर दिया। ठीक है, तो वो बीच में से भी इसमें नहीं है, मजीद डिटेल दूसरी सूरह में आ जाएगी। वलम्मा रजअ मूसा, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रवैया देखिएगा क्या था। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस आए, इला कौमी गद्बान असीफा, बहुत शदीद गुस्से में। गद्बान हमने शुरू में देखा था, रहमान बहुत रहम, पीक है रहम, ठीक है, अफशान इतनी प्यास की बहुत ही प्यास है, तो ये उस वजन पे गद्बान, यानी इतना गुस्सा था कि बे इंतहा गुस्सा, और असीफा अफसोस भी था, अफसोस और गुस्से की मिली जुली कंडीशन। कौल अभी समा खलक तुम उन्हीं में बाद, सबसे पहले तो अपने भाई की तरफ मुतवज्जो हुए क्योंकि उसको बना के गए थे कि इन सब पे वो करना। कहने लगे तुमने तो बहुत बड़ी मेरी खिलाफत की, यानी मेरे पीछे तुमने मेरी कौम के साथ क्या किया, अजिल तुम अमरा रब, तुमने मेरे बाद ही बड़ी बुरी जानशीनी की, क्या अपने रब के हुक्म से पहले ही तुमने जल्दबाजी कर ली। वह अलकल अलवाह वाखजा बिर अखी, और वो जो तख्तियाँ थी जिनके तौरात लिखकर दी गई थी, हजरत कहा जाता है रिवायत है ये भी और बाइबल की रिवायत है कि आसमान से ऐसे बिजली सी उतरती थी और वो तख्ती के ऊपर राइटिंग कर दिया करती थी, ठीक है, रिवायत है बहरहाल ये। तो वो तख्तियाँ थी जिन पर तौरात लिखी हुई थी, उन तख्तियों को एक तरफ डाला और क्या कर अपने भाई का सर पकड़ लिया, अपने भाई को अपने सर से उसके सर से पकड़ा, ये जुर्रू हुई लाई और उसे खींचने लगे, यानी गुस्से में, किसी और को तो नहीं मार सकते थे, वो तो भाई था और उन्हीं को बना के गए थे तो उन्हें घसीटने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा अब हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखें मुझ पे गुस्सा ना करें, आपकी कौम ने मुझे कमजोर, मतलब मैं कमजोर था, मैं इनको नहीं संभाल सका और जब मैंने इनको बोलना चाहा तो करीब था कि ये मुझे कत्ल कर देते, इस वजह से वो मतलब उन्होंने ये बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं अपनी सी कोशिश कर चुका हूँ लेकिन ये तो मुझे कत्ल कर देते। और दूसरा क्या कि तुम मुझ पर दुश्मनों को मत हंसा और मुझको इन जालिमों के जेल में शुमार मत करो, फला तुश्मित बिल आदा। अच्छा, एक जगह और हमें आगे मिल जाएगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैंने और मजीद इसलिए नहीं कहा कि तुम ये ना कहते कि बनी इसराइल में तफरका डाल, इससे क्या मुराद है? सी मुराद है कि जब हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत की और वो नहीं माने, हजरत हारून अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो जो कौम के वो लोग थे जो बछड़े की इबादत नहीं कर रहे थे उनके साथ मिलकर उनके खिलाफ कोई अमली इकदाम कर सकते थे, लेकिन इससे क्या होता, आपस में ही तलवारें निकल आती। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम वहीं पर रुक गए, फिर हजरत मूसा के मुंतजब है मजीद, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपस में खाना जंगी करवा दूँ, क्योंकि सैकड़ों नहीं थे लोग, हजारों लोग नहीं थे, लाखों लोग थे, बहुत बड़ा मजमा था, ठीक है, तो वो तो आपस में काट कूट के एक दूसरे को बराबर करते। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये चीज समझ आ गई, वाजे हो गया, قال رب اغفر لي ولي اخي आयत नंबर 151, तो वो कहने लगे ऐ मेरे रब मुझे भी माफ फरमा दे और मेरे भाई को भी माफ फरमा दे, وادخلنا في رحمتك हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, وانت ارحم الراحمين, तू सबसे बेहतरीन रहमत करने वाला है। अब नीचे सजा आ जाएगी इसकी, कत्ल की, बेशक जिन लोगों ने गौशाला परस्ती की, गौशाला यानी बछड़े की इबादत की, इन पर बहुत जल्द की तरफ से गजब और जिल्लत इस दुनियावी जिंदगी की पड़ेगा। और हम इस तरह परदासों को ऐसी सजा दिया करते हैं, क्या सजा दी गई थी इनको, इनको कहा गया था कि जिन्होंने बुतों की बछड़े की परस्तिश की है उनको वो लोग कत्ल करेंगे जिन्होंने परस्तिश नहीं की,
तो उन लोगों को फिर कत्ल किया गया। ठीक है, जिन लोगों ने गुनाह के काम, हम पढ़ते हैं ना कि उम्मत मोहम्मदी में आसानी है, तो देखिए इनमें इनको सजा दी गई, माफी भी हो सकती थी, पीछे कह रहे हैं वो रब्बना फिर क्योंकि दुआ मांगी है तो अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ने माफ कर दिया, आखिरत का अज़ाब टल गया होगा, लेकिन दुनिया में उनको ये सजा दी गई। और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर उनके बाद तौबा कर ले तो ईमान पाए, तो तुम्हारे रब इस तौबा के बाद गुनाह माफ कर देने वाला, रहमत करने वाला है। और जो मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा फर्द हुआ तो इन तख्तियों को उठा ले और इनके मजामी लोगों के लिए जो अपने रब से गुस्से थे हिदायत और रहमत थी। हर किताब के लिए क्या है? हिदायत और रहमत। कुरान के लिए भी है हिदायत और रहमत, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि तौरात में भी ये बात आ रही है कि तौरात में भी क्या है? हिदायत और रहमत। वख्तार मूसा कौमा 70 रजुला, और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त से मुअय्यन किए, मुंतखब लीमिकातना यानी हमारी मुलाकात के लिए मुअय्यन किए। सो जब इनको जलजले ने आ पकड़ा, अच्छा ये 70 लोग कौन थे? इनमें थोड़ा सा मुफसरीन है उनका थोड़ा सा इख्तलाफ ही रहा है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको तौरात पढ़कर सुनाई, वो जो अहकाम लाए थे, तो उन्होंने यकीन नहीं किया। एक राय तो ये, वो कहने लगे हमें कैसे पता चले कि अल्लाह की तरफ से नाजिल, तो उन्होंने कहा कि हम जाके खुद अल्लाह को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आंखों से देखेंगे तो ईमान लाएंगे। ठीक है, एक दूसरी बछड़े की इबादत के हवाले से रिवायत मिलती है, बहरहाल जो राजे बात है वो यही है कि इन्होंने अल्लाह को देखने की डिमांड की कि हमें यकीन हो जाए कि तौरात अल्लाह की तरफ से नाजिल कर रहा है और जो तुम मूसा कह रहे हो वो सच है। तो ये 70 लोग सिलेक्ट हो गए, ये हजरत मूसा के साथ निकले। अब ये सारे किधर जा रहे हैं? अगला स्टेप क्या है? ये कोहे तूर की तरफ जा रहे हैं। तो जब इनको जलजले ने यहाँ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर होता तो इससे कबल ही इनको और मुझको हलाक कर देता, क्या तू हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाकई महज तेरी तरफ से एक इम्तहान है, ऐसे इम्तहान से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल दे और जिसको चाहे हिदायत पर कायम रखे, तू ही हमारा कारसाज है, बस हम पर मगफिरत और रहमत करना, तू सब माफी देने वालों से ज्यादा अच्छा है। मुराद क्या है कि इनको मतलब इनके दिलों में ये बात थी, वही बात कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में क्या था, उन्होंने किस लिए डिमांड की थी कि रब्बी अरनी इलैक, मैं आपकी तरफ देखना चाहता हूँ मेरे रब, इनकी क्या डिमांड थी? इनकी डिमांड थी जैसे देखना या तजल्ली, तो बहुत दूर की बात, अल्लाह ने जलजला भेजा और ये सारे वहाँ मर गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए कि मेरी कौम तो पहले ही इतनी सरकश है, जब मैं ये कहूँगा कि 70 बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े सरदार टाइप, जब मैं जाके वापस उनको बताऊंगा कि 70 के 70 मर गए, तो मेरी कौम का तो वो हाल है कि इस कदर नाशुक्री है कि पीछे बछड़े को बना के उसकी इबादत कर रही है, तो ये क्या हाल करेंगे, इनको मैं कैसे संभालूंगा? तो हज़रत मूसा दुआ करते हैं कि अल्लाह ये आजमाइश में जान तो मेरी आजमाइश कर रहा है, तो इसमें मतलब ये बहुत बड़ा बार है, तो मसले का हल मांगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहरहाल उनको दोबारा जिंदा किया। आयत नंबर 156, और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक खाली लिख, और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक खाली लिख दें और आखिरत में भी हम, अच्छा वक्त बुलाना, ये उनकी दुआ कंटिन्यू हो रही है, किसकी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, वक्त बुलाना की हाजिर दुनिया हसना, ये अल्लाह हमारे लिए दुनिया में भी भलाई लिख दे, वह फिर आखिरत में और आखिरत में भी, इन्ना हुदना इलैक, अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी तरफ ही हम देख रहे हैं, उससे ही हिदायत मांग रहे हैं। पाल अज़ाब उसी को भी मैं नशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं देखो मेरा अज़ाब उसको पहुंचेगा जिसे मैं चाहूंगा, रहमती और मेरी रहमत वसे कुल्ला शय, देखो वो हर चीज पे छाई हुई है। तो अब ये सवाल आता है, अच्छा अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने जिसको चाहूंगा अज़ाब दूंगा, नहीं, आयत का दूसरा हिस्सा गौर करें कि अल्लाह की रहमत हर चीज पे छाई हुई है, रहमत के लिए तो कन्फर्म बात हो गई कि छाई हुई है, जो चाहे इसको जमा कर ले, लेकिन अजाब के लिए जिसको मैं चाहूंगा, अच्छा फिर भी एक सवाल होता है अल्लाह तो जिसको चाहेगा अजाब देगा, तो फिर ये क्या बात हुई? मुराद इससे यह है कि आपके पास चॉइस है, आप ऐसी हरकत ना करें रब्बुल इज्जत के सामने अजाब के मुस्तहिक हो जाए, हम ऐसी हरकतें ना करें। रहमत के लिए तो अल्लाह ने कह दिया बिखरी पड़ी कर लो जमा, नेकी के कितने मौके हैं, जो चाहे अख्तियार कर लो, हमारे ऊपर है, अल्लाह ने हाथ तो नहीं बांधे हुए हमारे, लेकिन अजाब की तरफ अगर हम भागेंगे तो फिर अल्लाह की मर्जी है, चाहे तो हमें बख्श दे चाहे तो हमें अजाब दे। तो इस आयत से ये मुराद होती है कि अल्लाह को पूछने वाला कोई नहीं है, अगर कोई अजाब का मुस्तहिक है तो अल्लाह चाहे उसे माफ कर दे और अल्लाह चाहे उसे अजाब दे। ठीक है, बस अक्तूबा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना वयूतूना ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युक़िनून, और अनकरीब हम लिख देंगे इसको, जो कौन कौन से लोग हैं जिन पर रहमत लाजिम हो जाएगी, जो अल्लाह से डरते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह की निशानियों पर यकीन रखते हैं। आयत नंबर 157, लज़ीना यत्तबिउना रसूल अन्नबी अल-उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम तौरात वल-इंजील। अच्छा, अब यहाँ वही बात आ गई, हम पीछे देख चुके हैं कि ये अहद लिया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अब वो अहद कैसे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर पैगंबर से अहद लिया था कि आखिर में पैगंबर आएगा, ठीक है, उसकी मदद करनी है और उसके पैगाम के साथ उसके कंधे से कंधा मिलाना है, फिर हर पैगंबर ने अपनी कौम से यह अहद लिया। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है बनी इसराइल के हवाले से कि हज़रत मूसा से भी ये बात की जा रही है। और जो लोग ऐसे रसूल नबी और नबी उम्मी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही का इत्तबा करते हैं, जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, यहाँ तक कि हज़रत इन
अहमद नाम करके भी है, कुरान में बताया गया है कि अहमद करके जो है नाम पिछले पैगंबर ने बताया हजरत मूसा या हजरत ईसा ने, शायद 28वें पारे में आ जाएगा इंशाल्लाह तस्करा में नाम कि मेरे बाद इस्मुहु अहमद, अहमद होगा उसका नाम जो आएगा, ठीक है। तो आखिरी पैगंबर के बारे में हर पैगंबर ने अपने में बताया। जो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं वो इनको नेक बातों को हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल बनाते हैं बताते हैं और गंदी चीज़ों को इन पर हराम फरमाते हैं और इन लोगों पर जो बोझ और तौक थे इनको दूर करते हैं। जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं और इनकी हिमायत करते हैं, इनकी मदद करते हैं और इसका नूर तबाह करते हैं जिनके साथ भेजा गया। कौन सा नूर भेजा गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान। ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब इसमें जो तर्जुमा लिखा है ना, इससे हमें ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, फरमाते हैं करते हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बताई जा रही है कि तौरात और इंजील में उनका जिक्र है, वो हुक्म देगा भलाई का, रोकेगा बुराई से, तुम्हारे लिए पाकीजा चीजों का बताएगा, हराम चीजें जो है उनका वाजे कर देगा और जो बोझ और तौक तुम्हारे ऊपर है उनको उतार देगा। क्या मुराद है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उतारे? इनकी कुछ जबान की गलत इस्तेमाल की वजह से इनकी चीजें कुछ अल्लाह ने हराम कर दी थी। मिसाल के तौर पर ऊंट का गोश्त है, पीछे चर्बी वाला वाक्य भी देख कर आए कि चर्बी भी, जैसे हम तो सारी चर्बी खा लेते जानवर की, उनपे कुछ खास किस्म की चर्बी हराम थी, हलाल जानवर है, खास चर्बी जो थी वो हराम थी, इस जगह की चर्बी हराम है, इस जगह की चर्बी हराम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बता रहे हैं कि वो ऐसा पैगंबर आएगा, वो सारे ये सारे काम करेगा, तुम्हारे बोझ कम करेगा और जो लोग उस पर ईमान लाएंगे तो क्या चीज लाजिम है ये देख लीजिए। ये पॉइंट वाइज है, इसको जरा प्लीज या तो हाईलाइट कर लें या पॉइंट बना लीजिए। ये मैं पेज आगे कर दूं। हमें क्या करना है? जो लोग ईमान लाएंगे भी वह जरूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर करनी है, वह नसरू उनकी मदद करनी है, वत्तबऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू और इत्तबा करनी है उसकी जो उनके साथ नाजिल हुआ, क्या चीज़? कुरान। ये तीन काम हर मुसलमान भी करते हैं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कैसे करेंगे? किताबुल्लाह को आगे ले जाते हैं, उनके मकसद को आगे ले जाते हैं। उनका मकसद था तबलीग, दुनिया में इस्लाम फैलाना। हर शख्स ये नहीं कर सकता, जो जबानी तबलीग कर सकता है जबानी करे, बाकी जो नहीं कर सकते वो अपने अमल से कुरान का नमूना बने, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इनकी पैरवी बहसियत उम्मत मोहम्मदी हम पर लाजिम है। जिसकी बादशाही तमाम आसमान और जमीन है, इसके अलावा कोई इबादत के नहीं लाइक नहीं, ला इलाहा इल्लहु यही व युमीत, जिंदगी देता है और मौत देता है। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि व तबिउहु लअल्लकुम तहतदून। तो अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, इसके नबी उम्मी पर, कौन से नबी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि अल्लाह ताला पर और इसके अहकाम पर यमीन, जो कि अल्लाह ताला पर और इसके अहकाम पर ईमान रखते हैं और इनका इत्तबा करो ताकि तुम राह पर आ जाओ। तो लोगों को कुल या अय्युहन नास, सारे लोगों को मुखातिब करके कहा जा रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि देखो मैं तुम सबकी तरफ पैगंबर हूँ। तो हमें यह पता चलता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आखिर तक दुनिया में जो आखिरी बच्चा भी पैदा होगा उसके लिए भी पैगंबर कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की निशानियां बताकर बताया गया कि ईमान ले आओ। वमिन कौमे मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक ऐसी जमात थी, यहदूना बिलहक, जो हक की तरफ हिदायत करती थी, और क्या थी? और इसी के मुताबिक इंसाफ भी करती थी। कुछ यहूदी जो मुसलमान हुए उनका तस्कर, ठीक है। हजरत मूसा का किस्सा वहां पे रोका, बीच में हजरत मुसलम की बात हुई, ठीक है। और बताया गया कि सारे बनी इसराइली खराब नहीं थे, बाद में भी कुछ यहूदी ईमान लाए, ठीक है, बाद वाली बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ बनी इसराइलियों का तस्करा दोबारा से शुरू हो रहा है। अगले पेज पे आ जाते हैं, आयत नंबर 160। और हमने इनको 12 खानदानों में तकसीम करके सबकी अलग अलग जमात मुकरर कर दी, यानी 12 कबीले बना दिए जितने भी वो लोग थे हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथ। और हमने मूसा अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि जब इनकी कौम ने इनसे पानी मांगा कि अपने असा को फला बरकत पर मारो, बस फौरन से 12 चश्मे फूट निकले। ये कब हुआ? रेगिस्तान में हुआ, जब वहां से निकल के माइग्रेट करे और दरिया पार किया या समंदर पार किया, और पानी का मसला हुआ, इतने बड़े लोग, इतना पानी कहाँ से आए, इतने पानी के लिए तो दरिया चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें पानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम से कहा एक पत्थर पर अपना आसा मारो। जब उन्होंने आसा मारा, पत्थर फटा, उसमें 7 दराड़े बनी, 12 दराड़े बनी और 12 चश्मे फूट पड़े। हर शख्स ने अपने पानी पीने के मौका मालूम कर लिया। हमने इनको अपना अबर का साया फगन किया, अरबी पे आ जाते हैं, वज़ल्लना अलैहिम अलग़माम, और हमने बादल कर दिए उनके ऊपर। अब सहरा में कहाँ कैसे धूप से बचें, कितने टेंट लगाएंगे, तो क्या थे? इनके सरों पे बादल रहते, काफला जहां जहां चलता है इनके सर पे बादल रहते। अंजलना अलैहिम मन्ना वसलवा, अब तीसरी चीज, खाने का इंतजाम, पानी का इंतजाम हो गया, सर पे छत का इंतजाम हो गया, अब चाहिए खाने के लिए। तो मन और सलवा उतारा। मन और सलवा के बारे में मुख्तलिफ चीजें पता चलती है, मन मीठा था, सलवा नमकीन था,
ये शायद हो सकता है मैं उल्टा कह रही हूँ, बहरहाल नमकीन और मीठा खाना पका पकाया आसमान से इनके पास उतरता था। कुलू मिन तो ये बात ही मारे जख्म हम देखो खाओ जो तो ये बात हमने तुम्हें दी। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। वह यकीन मुस्कुरू हाजिल करिए वकुलू मिन हाई से शिकुम वकुलू हित्तुम वदखुलू अलबाब सुज्जदा तो नग़फिर लकुम खतियातिकुम। वइज़ क़ीला लहुम उस्कुनू, और जब उनसे कहा गया कि देखो इस मस्कनत अख्तियार करो रहो, किसमें हादिहिल क़रिया इस बस्ती में, कौन सी बस्ती, फलस्तीन, फलस्तीन की जा रहे हैं क्योंकि अब अजदाद फलस्तीन से ही माइग्रेट कर कर आ रहे थे तो इनको वापस अपने मुल्क में जा रहे थे, फलस्तीन जाओ और वहाँ से खाओ जहाँ से तुम चाहो। वकूलू हित्ता, और जब बस्ती में दाखिल हुए तो कह क्या कहते हुए दाखिल होंगे, मगफिरत मांगते हुए। जब आप लंबे सफर से वापस आती हैं 12-14 घंटे की ड्राइव करके घर पहुँचते हैं तो घर कैसे दाखिल होना है, शुक्र तो करना ही करना है लेकिन क्या है अल्लाह से बख्शिश भी मांगनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम मुश्किल में आते हैं अल्लाह को याद करते हैं, जैसी आसानी मिलती है अल्लाह को भूलते हैं। तो यहाँ ये मुश्किल काट कर आ रहे हैं, इतनी सालों की गुलामी काट कर आ रहे हैं, अब अपना वतन मिलने वाला है तो कैसे दाखिल होना बस्ती में, बख्शिश मांगते हुए। वदखुलुल बाबा सुज्जदा, और फिर अब शुक्रगुजारी आ गई, एक तो हम इस्तग़फ़ार करें दूसरी सजदा करते हुए दाखिल। ठीक है, एक रिवायत में मिलता है कि जैसे फूलों के बल चलते ना बिगड़ते हुए, ये इस तरह से दाखिल हुआ। बहरहाल ये रिवायत, ठीक है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए नग़फिर लकुम ख़तियातिकुम, हम तुम्हारी खताओं को माफ़ फरमा देंगे और हम ज्यादा बढ़ा के देंगे इनको मोहसिनीन को। फबदल अल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरा अल्लज़ी क़ीला लहुम, आयत नंबर 162। तो बदल दिया हमारी बात को, बदल दिया इस बात को जो हमने उनसे कही थी, यानी हित्ता को बदल के क्या कर दिया, कुछ और बना दिया, हिंता कर दिया खाना। ये जो खाना है ना मनोसलवा अल्लाह ताला क्यों दे रहे हैं, कभी क्वेश्चन आता है। अल्लाह ताला जब हमें नेमतें देते हैं ना तो अल्लाह हमसे कहते हैं कि इस तरफ से रिलैक्स हो जाओ, तुमने कुछ काम कर, इनको बादल दे लिया, इनको 12 चश्मे दे दिए, खाने की भी टेंशन से निकाल, यही चीज़ है ना जो आपको रोकती है। हम क्यों नहीं अल्लाह की राह में लगते हैं, हमें घर के काम करने हैं, हमें खाना वक्त पे पकाना है, दूसरी चीज़ें हमसे मैनेज नहीं हो पाती तो हम अल्लाह की राह से रुकते हैं, हमारी नमाजें छूटी जाती हैं, तबलीग का काम नहीं कर पाते, दर्स अटेंड नहीं कर पाते, दौरे कुरान में ये भी कुछ खवातीन इसलिए नहीं आ रही होंगी, घर की मसरूफियात होंगी, हो सकता है इस वक्त खड़ी नाश्ता बना रही हूँ चक्कर में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके लिए इन चीज़ों का इंतजाम करके इनसे क्या कहा कि तुम चुनी हुई कौम हो, तुमने अल्लाह की किताब आगे लिखी, ये चीज़ थी असल में। लेकिन अभी वो क्या कह रहे हैं, हिंता तुम, हमें खाने को चाहिए, हमें खाने को चाहिए। तो जो यहाँ एक्सपर्ट हैं, जो सऊदीया में रह रहे हैं, दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छे उनके घर हैं, तो वो जहन में रख के अल्लाह आपसे कुछ काम लेना चाहिए। अल्लाह ने अगर आपको जहनी तौर पर, माशी तौर पर रिलैक्स किया हुआ, आपको सहूलत दी हुई है, बहुत सारी खवातीन यहाँ माशाल्लाह पढ़ती हैं, बहुत पढ़ती हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेती हैं, कोशिश कर रही हैं, क्यों, क्योंकि वो उस कम्बाइंड फैमिली में नहीं रह रही हैं जहाँ आपको 12-12 घंटे काम करना पड़े, अल्लाह ने उनको आसानी कर दी। या पाकिस्तान में भी अगर कुछ लोग हैं जो कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं या तो सेपरेट रह रही हैं, अलग रह रही हैं, उनके पास वक्त है, उन्हें उसी वक्त को मॉल में जाके नाश्ते करने में ना गुजारें, बाजारों में जाके फिरने में हम ना गुजारें, कभी कभी करें कोई बात नहीं, तफरी हराम नहीं है इस्लाम में, लेकिन उस वक्त को सोचें अल्लाह ने मुझे क्यों इतनी आसानी, क्यों इतनी सहूलत, क्यों इतनी फरावानी में रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है अल्लाह आपसे कुछ और काम करता है, क्योंकि ये जहन में रखें। इस किस्से में हमारे लिए बड़ी इबरत है लेकिन हम इसको डेफिनेटली अपने वक्त के हिसाब से स्केड्यूल करके पढ़ रहे हैं। فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون, तो हमने भी इन पर रिज्ज भेज दिया, आफत समावी भेजी बवजह उसके जो वो जुल्म करते थे। अच्छा जी, आफत समावी क्या थी इन पर? अच्छा जी, अगर सना आपको पता हो कि कौन सी इन पर आफत समावी आई, मेरे इल्म में नहीं है या मुझसे मिस होगी तो आप जरूर बता दीजिएगा, मैं भी इसको देख लेती हूँ तफ़सीर वाले पारे से। वो अजाब क्या था कि ये हर दौर में पिटते रहे कि फलस्तीन नहीं गए और आज इसराइल अब कहीं जाके बनाए, ये सालों पिटे हैं, एक एक वक्त में 5-5 लाख इनके मर्दों को जो है गुलाम बनाया गया, औरतों को लौंडिया बनाया गया, जो मुझे पता है। अब यहाँ तर्जुमे में जो है इसको आफत समावी लिखा है तो मैं इसको जरा देखूंगी, एक आयत और है, मैं इसको पूरा, बल्कि अब टॉपिक चेंज हो रहा है क्योंकि वो आ रही है साबे सबका किस्सा आ रहा है, तो मैं आप शुरू करें। وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر
إذ يعدون في السبت استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. اب یہاں پہ اس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے. یعنی ایک وہ گروہ تھا بنی اسرائیل کا جس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلی نہیں پکڑنا, ٹھیک ہے, جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے. یعنی کیا کیا انہوں نے, ہیلا سازی کی اور کہا کہ نہیں ہم تو ہفتے کو ہی جو ہے وہ ہفتے کو زیادہ مچھلی آتی تھی, یہ بھی آزمائش تھی ان کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن ہی مچھلیاں پکڑیں گے. جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے, جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر سامنے آتی تھی, اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی. ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اسی سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے. اچھا یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے, یہاں پہ سوری بنی اسرائیل کا نہیں ہے, یہاں پہ یہ یہود کا واقعہ ہے. اس میں یہود کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اس واقعے کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے, ٹھیک ہے, قرآن میں آ گیا ہے یہ. اور یہاں پہ ایک بستی تھی جو میں کنفیوز ہو گئی, لیکن یہ بنی اسرائیل کی ہی بستی تھی بلکہ. شازیہ میں ایکسپلین کر دوں جی, یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی تھی, تھے یہ یہودی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے, اور یہ یہودیوں کو سنایا جا رہا ہے ان پہ, کیونکہ ان کا جو جیسے ہمارا فرائیڈے ہوتا ہے نا ڈے, ان کا ڈے تھا سیٹرڈے, کرسچنز کا ڈے ہوتا ہے سنڈے, یہ خود سے نہیں بنائے ہوئے ہیں, ایک طرح سے سیٹ ہوئے ہیں پیچھے سے. تو سیٹرڈے والے جیسے ہمارے لیے تو یہ حکم ہے نا, ہم صرف نماز کے وقت اپنے کاروبار بند کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم جا کے اپنا کام وغیرہ کر سکتے ہیں, لوگوں سے ملنے جا سکتے ہیں, تفریح کر سکتے ہیں. ان کے لیے اللہ نے ان کو آزمانے کے لیے کیا کیا کہ پورا سیٹرڈے آپ اپنا بزنس نہیں کریں گے. ان کا بزنس کیا تھا, یہ مچھیرے تھے, دریا کے اس کنارے رہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کہا بزنس نہیں کرنا اس دن. اب اللہ نے آزمانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ وہ مچھلیاں اچھل اچھل کے ان کے پاس آتی. تو دو روایات ملتی ہیں, ایک تو یہ تھا کہ یہ ساحل پہ کناروں پہ گڑھے بنا دیا کرتے, جب پانی دوپہر کے وقت چڑھتا اور مچھلیاں آتی تو گڑھوں میں پانی بھر جاتا, مچھلیاں پھنس جاتی, جب پانی اترتا مچھلیاں پھنسی رہتی, اتوار کے دن نکال لیا کرتے. اور یہ کی روایت یہ ملتی کہ جال ڈال دیا کرتے تھے, کب, جمعے والے دن, جمعے کی رات کو جال لگا دیے, ہفتے بھر اس میں مچھلیاں پھنسی اور اتوار کو جال کھینچ لیا. تو یہ اللہ کے ساتھ مکر کر رہے تھے. تو اللہ نے ان کو بدلے میں کیا کیا, ان کی شکل بندر اور خنازیر کی طرح کر دی, بندروں کی طرح کر دی. تین چار دن بعد پھر یہ مر گئے, اس لیے کہ ان سے ورنہ پھر ایک نئی نسل چل جاتی. تو اللہ رب العزت یہودیوں کو بتا رہے ہیں, ابھی بھی یہودیوں میں ایک ایسا گروہ ہے جن کے لیے عورت کے لیے حکم ہے کہ بال نہیں دکھانے. عورت میں ہے نا کہ عورت جو یہودی ہے اور جو کرسچن ہے وہ بھی اپنے بال نہیں دکھا سکتی. تو یہودیوں میں آج بھی ایک ایسا گروہ ہے, وہ کیا کرتی ہے, وہ اپنے بال منڈوا لیتی ہیں, سارے گنجی ہو جاتی ہیں اور پھر اوپر سے وگ پہن لیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا ہے, کبھی ہم بھی ہیلا سازی کرتے ہیں نا اللہ کے ساتھ, اللہ نے کوئی حکم دیا ہوتا ہے یہ نہیں کرنا تو ہم اس کو گھما کے کان ادھر سے پکڑ لیتے ہیں. تو روح دیکھنی چاہیے اس مقصد کی, روح اس حکم کی روح یہ تھا کہ تم نے دنیاوی فائدے نہیں اٹھانے, تو وہ اللہ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں, تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. جزاک اللہ خیر. اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ مکے تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائے. اچھا اس میں تین گروہ تھے, ٹھیک ہے, یہ جماعت کے اس میں تین گروہ تھے. ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بالکل اللہ کی بات نہیں مانی, جنہوں نے شکایت کیا, اور ایک وہ تھے کہ جو اس چیز کو برا تو سمجھتے تھے لیکن وہ خاموش تھے, صحیح. اور ایک وہ گروہ تھا جو اس چیز کو برا سمجھتا تھا اور ان کو جو غلط کام کر رہے تھے ان کو امر بالمعروف اور نہیں منکر کرتا تھا, یعنی اس چیز کو روکتا تھا. تو وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں کہتے تھے, جو بالکل خاموش تھے, نیوٹرل تھے, وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم ان کو کیوں سمجھا رہے ہو. اس گروہ سے کہہ رہے ہیں جو ان کو سمجھا رہا تھا جو غلط کام کر رہے تھے کہ تم ان کو کیوں سمجھا رہے ہو, ان پر تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے, یعنی تم نہیں ان منکر کیوں کر رہے ہو, ان کو کس چیز سے روک رہے ہو. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہمارے پاس یہ جواز تو ہو کہ ہم نے ان کو برے کام سے روکا, یا پھر یہ ہے کہ یہ جواز ہو کہ ہم نے کوشش کی یہ سیدھے راستے پر آ جائیں, اللہ سے ڈر کے سیدھے راستے پہ آ جائیں. یہی چیز ہمارے لیے بھی سینس میں ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا حکم جو ہے وہ ہر مسلمان کو ہے, جس کو اتنی سمجھ ہو کہ وہ کسی کو گائیڈ کر سکے تو ضرور ہمیں, یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس چیز کو غلط اگر ہو رہا ہے تو اس کو ضرور روکے, اگر ہمارے اندر اختیار ہے تو ہاتھ سے روکے, ورنہ کم سے کم جو ہے وہ اس کو دل سے برا ضرور جانے. تو جب وہ بھول گئے آیت نمبر 165, جب وہ اس بات کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا, تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بڑی عادت بری عادت سے منع کیا کرتے تھے. اب کیا ہوا, جو اچھے لوگ تھے جو منع کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, تین گروپ تھے نا, تو جو آخری گروپ تھا جو ان کو منع کیا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے
एक सख्त अजाब ने पकड़ लिया इसकी वजह से कि वो बेहुक्मी किया करते थे, क्योंकि वो अल्लाह की बात नहीं मानते थे। तो वो गिरोह जिसने अल्लाह की बात नहीं मानी तो बाल आखिर उसको अजाब ने पकड़ लिया। आयत नंबर 166, यानी जब वो जिस काम से इनको मना किया गया था इसमें हद से निकल गए थे, यानी हद से निकल गए थे, उन्होंने अल्लाह के अहकाम को तोड़ दिया था, हदों को तोड़ दिया था जो अल्लाह ने हद मुकर्रर की थी, उसकी वजह से उनको उनको अजाब मिला। उनको अजाब क्या मिला था कि अल्लाह तआला ने उनको कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ, यानी उनके चेहरे मस्क कर दिए गए और उनको जो है वो बंदर बना दिया गया। अच्छा, निजात पाने वाले यहाँ पे सिर्फ वही थे जो मना किया करते थे और जो खामोश थे, यानी बुराई को बुराई समझते हुए भी जो है वो बुराई का साथ दे रहे थे, यानी कुछ नहीं कह रहे थे। इस तरह से ये होता है कि एक तरह का आप साथ दे रहे हैं, गलत को गलत नहीं कहा जा रहा और आप उसको उसी तरह होने दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बुराई का साथ दे रहे। तो उन दोनों ग्रोहों के ऊपर, दोनों जो ग्रुप थे उन दोनों के ऊपर अजाब आया था और सिर्फ बच्चे वही लोग थे कि जिन्होंने खुद भी गलत काम नहीं किया था और दूसरे लोगों को भी रोकने की कोशिश की थी। अच्छा, एक और बात है, जैसे कहा जाता है कि पिछले जमाने में जो है वो इंसान बंदर था और वो एक नस्ल चली आ रही है, तो यहाँ पे भी इस बात को क्लियर कर दिया जाए कि वो जो नस्ल थी उनकी, उनके ऊपर जब अजाब आया, किसी भी नस्ल पर जब अजाब आता है तो वो खत्म कर दी जाती है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंसान पहले बंदर था और इंसान बना, बल्कि वो जो कौम थी, वो जो ग्रुप था जिसके ऊपर जिसको बंदर बनाया गया था, तो उसको खत्म कर दिया गया था। आयत नंबर 167, और वो वक्त याद करना चाहिए आपके चाहिए कि आपके रब ने ये बात बता दी थी कि वो इन यहूद पर कयामत तक ऐसे शख्स को जरूर मुसल्लत करता रहेगा जो इनको सजाए शदीद की तकलीफ पहुंचाता रहेगा, और बिलाशुबा आपका रब जल्दी सजा देता है और बिलाशुबा वो वाकई बड़ी मफरत और बड़ी रहमत वाला है। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो वक्त याद करना चाहिए कि आपके रब ने ये बात बता दी थी। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहूद की जो ये बार बार इनकी जो थी नाफरमानियां थी, ठीक है, तो यहाँ पे यहूदियों को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इनको अच्छी तरह बाखबर कर दिया गया था, यहूदियों के बारे में बता दिया गया था, यहाँ पे ताकीद के साथ बता रहे हैं, अल्लाह ताला कसम खा के बता रहे हैं कि इन पर क़यामत तक अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देंगे जो इनको सख्त अजाब में मुब्तला रखेंगे। ये बात है ना कि अगर कौम जो है वो बेराह रवि का शिकार हो जाए तो उसके ऊपर एक ऐसा हाकिम आ जाता है जो बहुत जालिम होता है, तो यही इसी बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं। और फिर क्या होता है, हम यहूदियों की तारीख देखते हैं तो यहूदियों की तारीख में क्या है कि मुस्तकिल जो महकूमी और जिल्लत की जो इनकी तारीख है, और जो है यानी अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि अगर हमारे जो है वो अमाल सही नहीं होंगे तो हमारे जो हाकिम होंगे वो हम पर जुल्म करेंगे और हम तकलीफ के अंदर ही रहेंगे। अच्छा, आयत नंबर 168, और हमने दुनिया में इनकी मुख्तलिफ जमातें कर दी, बास इनमें नेक थे और बास इनमें और तना के थे, और हम इनको खुशहाली और बदहालियों से आजमाते रहे कि शायद ये बाज आ जाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो है मुख्तलिफ ग्रोहों में जो है वो लोगों को भेजा था, यानी यहूदियों के हिसाब से बात करें तो यहूदी भी जो थे मुख्तलिफ ग्रोह में बट गए थे। कोई ग्रोह ऐसा था जो अल्लाह पर बिल्कुल ईमान नहीं लाता था और कुछ जो थे इनमें से बास नेक थे। तो क्या हुआ, इन दोनों ग्रुप को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया था और जो नाफरमान लोग थे उन पर छोटे अजाब भी भेजे थे ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अल्लाह तरफ रुजू करें, ठीक है। इनको खुशहालियों से भी आजमाया, जैसे पीछे बताया कि बदहाली हुई, इन पर अजाब आए, फिर खुशहाली कैसे है कि अल्लाह ताला ने इनको नियमतों से नवाजा लेकिन वो किसी सूरत भी बास नहीं आए। फिर इनके बाद ऐसे लोग आए, नंबर 169, फिर इनके बाद ऐसे लोग इनके जानशीन हुए कि किताबों को उनसे हासिल किया और वो इस दुनिया फानी का माल मता ले लेते थे और कहते हैं कि हमारी जरूर मफरत हो जाएगी, हालांकि अगर इनके पास वैसा ही माल मता आने लगे तो इसको भी ले लेंगे। क्या इनसे इस किताब के इस मजमून का अहद नहीं लिया गया कि अल्लाह की तरफ से वाई हक बात किया, किसी बात को नस्बत ना करना, और उन्होंने इस किताब में जो कुछ था इसको पढ़ लिया, और आखरत वाला घर इन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा रखते हैं, क्या तुम नहीं समझते। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ कि यानी जो है ये लोग क्या थे, ये अल्लाह की बात नहीं मानते थे। यहाँ पे क्या बात हुई कि फिर इनके बाद ऐसे लोग जानशीन हुए, इनके ऊपर जानशीन क्या हुआ, यानी ये लोग खत्म हो गए, उसके बाद एक दूसरी कौम आई और उन्होंने क्या किया कि उनसे वो किताब ले ली, और इसके बाद जो है वो जो माल मता था दुनियावी जो थी वो माल मता के हिर्स हो गए, ठीक है, और यानी वो दुनिया में माल, यानी जो इनके पास जानशीन आए वो दुनिया का माल के पीछे हिर्स में मुबतला हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, यानी तालिब दुनिया हो गए, लेकिन उसके बावजूद क्या था, वो दुनिया में लगे हुए थे और दुनिया के मता हासिल करने की ही कोशिश करते थे, लेकिन इस बात की उम्मीद रखते थे कि भाई अल्लाह ताला हमारी मगफरत कर देंगे, सही है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला का क्या मकसद है, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया की कोशिशों में लगे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनकी ख्वाहिश क्या है कि अल्लाह ताला इनको माफ कर देगा, और ये लोग क्या करते थे उसके बावजूद भी गलत काम भी कर रहे होते थे, अल्लाह ताला की तरफ झूठी बातें भी मंसूब कर रहे होते थे कि हम पे अजाब नहीं आएगा, हम पे कुछ दिन के लिए अजाब आएगा। तो ये मफहूम जो है पीछे भी गुजर चुका है। तो और इन्होंने क्या किया था, किताब लेने से क्या मुराद था कि जो अल्लाह ताला ने अहकाम भेजे थे उसमें चेंजेस कर दी थी,
और जो इनको सही बातें पता थी वो लोगों को तक नहीं बताते थे और अमल करना उस पर तुर्क कर दिया था। यहाँ पे तीन बातें आ जाती हैं, किताब को मिटा डाला था यानी इसमें चेंजेस कर दी थी, ठीक है, और उस पर अमल करना तुर्क कर दिया था। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो कुछ भी किया था, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो किताब में चेंजेस की थी और अपनी मर्जी से फतवे देने लगे थे, क्यों देने लगे थे कि दुनियावी माल के लिए, और ये आफरत को भूल गए थे, ठीक है। तो लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आखिरत वाला घर इन लोगों के लिए बेहतर है जो तख्वा रखते हैं। असल में इनमें तख्वा नहीं था, अल्लाह का डर नहीं था, तो ये जो है ये दुनिया की ही माल दौलत में और इसमें मुबतला थे, जबकि जो सच्चा घर है, जो हमेशगी का घर है, जो बेहतर घर है, वो आखिरत का घर है। आयत 170, और जो लोग किताब के पाबंद है और नमाज की पाबंदी करते हैं, हम ऐसे लोगों को जो इस्लाह करे सवाब जाया ना करेंगे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला दूसरे ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं कि जो लोग नेक हैं, जो लोग तकवा का रास्ता अख्तियार करते हैं, जो अल्लाह ने किताब जैसी उतारी है उसके अहकाम को वैसे ही लेते हैं। यहाँ पे मुराद तौरात है, ठीक है, यानी उस ग्रुप की बात हो गई कि जिसने जो है किताब को चेंज कर दिया पीछे, ठीक है, लेकिन वो इसी गफलत में पड़े रहे कि हम बख्शे जाएंगे। अब उन लोगों का जिक्र आ गया कि जो अल्लाह की बात मानते थे, नमाज की पाबंदी करते थे, तो उनके लिए अल्लाह ताला क्या करेंगे, उन लोगों ने अपनी इस्लाह कर ली, यानी जब उनको हक पता चल गया वो इस्लाह कर ली उन्होंने, तो अल्लाह ताला उनका सवाब जो है वो जाया नहीं करेंगे और उनके लिए जन्नत, उनके लिए जो है वो बख्शिश है। और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि तौरात के ऊपर वो ईमान लिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान गए, तो जब कुरान आएगा, कुरान आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते, तो उनको भी मान लेते, तो ऐसे जो है उन लोगों के लिए दोहरा सवाब है कि उन्होंने अपनी किताब पे भी ईमान लाया, अपने रसूल पे भी ईमान लाया, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाया, उनकी किताब पर भी ईमान लाया, तो इनके लिए दोहरा जो है वो अजर है। और वो वक्त भी काबिल जिक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर साहिबान की तरह इनके ऊपर मामला कर दिया और इनको यकीन हो गया कि आप इन पर गिरा, और कहा जो किताब हमने तुमको दी है इसे मजबूती के साथ कबूल कर लो, और याद रखो जो अहकाम इसमें है इससे तवक्को है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। यहाँ पे क्या बात है, ये उस वाक्य का जिक्र है जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास तौरात लेके आए थे, इनको अहकाम सुनाए थे, तो उन्होंने क्या किया, वही अपनी आदत से मजबूर हो गई। ये वाक्य पीछे भी गुजर चुका है कि उन्होंने कहा था कि हम इस पर जो है वो हमें इसका इनकार किया, हम इस पर नहीं मानेंगे, तो फिर अल्लाह ताला ने जबरदस्ती उनको अमल करवाया किस तरह कि इनके ऊपर पहाड़ को कर दिया और कहा कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुमको कई पहाड़ गिरा दिया जाएगा और तो ये तुमको कुचल देगा। तो जिसकी वजह से डरते हुए इन्होंने तौरात पर अमल करने का जो है वो अमल करने का अहद किया था। आयत नंबर 172, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से इनकी औलाद को निकाला और इनसे इन्हीं के मुतालिक इकरार दिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सबने जवाब दिया क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज यूं ना कहो कि हम तो इससे मुहिस बेखबर थे, या यूं कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम इनके बाद इनकी नस्ल में हुए, सो क्या इन गलत राह वालों के फेल पर तुम हमको हलाकत में डाल दे, क्या तुम हमको हलाकत में डाल देगा। आयत नंबर 172 में जो अहद की बात हो रही है, अहद अलस कहलाता है, ठीक है, और ये अहद जो है वो हजरत आदम अलैहि सलाम की तख्लीक होने के बाद इनकी पुश्त से जितने भी लोग निकले थे, अब तक जितने भी लोग हैं आने वाले हैं, ठीक है, उनकी औलाद थी, तो उस दिन जो है अल्लाह ताला ने पूछा था, सबसे अहद लिया था, इन सारी औलाद के सामने कहा था अल्लाह ताला ने कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो हम सब ने कहा था भला शाहिदना क्यों नहीं, हम सब आपकी गवाही देते हैं। तो ये उस अहद की बात की जा रही है कि जो है हम सब ने जो है उस वक्त अल्लाह को गवाह बनाया था और अल्लाह ताला की रबूबियत की गवाही दी थी। जैसे कि जो है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जैसे कि हदीस में आता है कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो जो होता है फितरत में पैदा होता है, यानी मुसलमान पैदा होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। तो ये जो दीन है अल्लाह का दीन जो है, ये फितरत का दीन है, यही रबी तौहीद का दीन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हमने उनसे अहद ले लिया, अपनी रबूबियत की गवाही ले ली, अल्लाह ताला कह रहे हैं तो ताकि तुम बाद में उजर ना पेश कर सको, बाद में ये ना कह सको कि अल्लाह ताला हम तो गाफिल थे, या तो हमारे बाप दादा तो पहले से ही शिरक करते आ रहे थे, तो ये जो तुम उजर अगर तुम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश करोगे तो ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम तो अपनी पैदाइश से पहले ही अल्लाह ताला से अहद ले चुके थे, जिसको अब तुम भुला चुके हो और अब तुम शिरक करते आ रहे हो। हम इसी तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ताकि वो बाज आ जाए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने खोल खोल के इनके पे आयात भी भेज दी, रसूल भी भेज दिए, किताब भी भेज दी, लेकिन फिर भी ये लोग इसको नहीं मानते। और इन लोगों को इस शख्स का हाल पढ़ सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयात दी फिर वो इनसे बिल्कुल ही निकल गया और फिर शैतान इसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। यहाँ पे किस के बारे में बात हो रही है कि एक शख्स था जिसे किताब इलाही का इल्म था, यानी उसने इल्म हासिल किया, ठीक है, और ये बहुत वैसा वाक्य है, इसको हम अपने ऊपर भी रख के देख सकते हैं कि हम अगर अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करते हैं, फिर क्या हुआ, उसने इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन जब अमल का वक्त आया तो वो अमल नहीं कर सका और फिर वो दुनिया में लग गया और शैतान के पीछे लगकर गुमराह हो गया। यानी उसने क्या किया, अल्लाह की किताब तो पढ़ ली लेकिन उसके अहकाम
को जो है वो उस पर अमल नहीं किया, और जो है वो इस वजह से क्या हुआ कि असल में शैतान ने उसको बरगलाया और वो शैतान के पीछे लग गया, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने लगा। तो यानी कि बात यह है कि हर दौर में, और हम अगर अपने ऊपर भी देखें तो हम जो है कुरान पढ़ते तो जरूर है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते, और अपनी नफसानी ख्वाहिशात या शैतान के पीछे लग के और ताग़ूत की पैरवी करने लग जाते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है, उसका अंजाम क्या है, ऐसे लोग फिर गुमराहों में शामिल हो जाते हैं। आयत नंबर 176, वलौ शिना लरफअनाहु बिहा वलकिन्नहु अखलद इलल अर्द वत्तबा हवा फमसलहु कमसलिल कल्ब إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल आ रही है उसको आप देखें, और अगर हम चाहते तो हम इन आयतों और अगर हम चाहते तो इसको इन आयतों की माँ बदौलत बुलंद मरतबा कर देते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ मायल हो गए। यानी अगर वो शख्स अल्लाह की किताब को ही फॉलो करता, अल्लाह की किताब पे अमल करता, तो अल्लाह ताला क्या करते, उसको बहुत बुलंद मरतबा अदा करते। लेकिन उस शख्स ने क्या किया कि वो तो दुनिया ही की तरफ मायल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगा। सो उसकी हालत कुत्ते किसी हो गई कि अगर उस पर हमला करे तब भी यहाँ पे, या उसको छोड़ दे तब भी यहाँ पे। यहाँ पे जो लहस का है ना, लहस इसका मतलब क्या होता है कि थकावट या प्यास की वजह से जो है वो हर वक्त जबान बाहर निकालना, ठीक है, थकावट या प्यास की वजह से। कुत्ते की आदत होती है कि वो हमेशा जो है वो जबान बाहर निकालने रखता है, क्या चाहे उसको डांटा जाए या पीटा जाए, वो हर हालत में भौंकने से बाज नहीं आती। तो यहाँ पे इसको किस तरह से रिलेट किया गया है कि ऐसा शख्स जिसको वास करो या ना करो, अगर उसको नेक काम नेक बातें भी बताई जाए, अल्लाह की आया से डराया जाए, तो भी वो नहीं सुनेगा, और अगर उसको उसके हाल पे छोड़ दो तो भी वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, और दुनिया के मानव मता के लिए उसकी राल टपकती रहेगी। यानी जो कहा जा रहा है ना कि उसकी वो जबान निकालता रहता है, वो हाँफता रहता है, तो क्या है, उसकी राल टपकती रहती है किसके लिए, इंसान से अगर उसको रिलेट करें तो दुनिया के मानव मता के लिए उसकी जो है वो राल टपकती रहती है। यही हालत इन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयात को झुठला दिया। सो आप इस हाल को बयान कर दीजिए कि शायद वो लोग सोचते हैं, यानी सोचे कि अल्लाह ने कितनी किस चीज से ऐसे शख्स को मिलाया है कि जो हिदायत नहीं नहीं पकड़ता। उसकी मिसाल एक कुत्ते से यानी उसको शबी दी गई है कि वो उस पर अल्लाह की आयत आ रही है, अल्लाह का कलाम आ रहा है ना। अब कितने ही लेक्चर्स हमारे पास जो है वो यूट्यूब है, ऑनलाइन हर चीज हमारे पास मुहैया है, उसके बावजूद भी अगर हम अल्लाह की तरफ नहीं आते, अल्लाह का कलाम को नहीं समझते, तो हमारी मिसाल भी उस एक कुत्ते किसी हो जाएगी कि जिसके ऊपर कोई चीज असर नहीं करती और वो दुनिया में गर्क हो चुका है दुनिया के हुसूल के लिए। आयत नंबर 177, इन लोगों की हालत भी बुरी हालत है जो हमारी आयात को झुठलाते हैं और वो अपना नुकसान करते हैं। यानी फिर अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोग अपनी जो है अल्लाह की आयात को झुठला रहे हैं, वो दरअसल अपना नुकसान कर रहे हैं, अल्लाह को उनकी इसकी कोई परवाह नहीं। जिसको अल्लाह हिदायत करता है सो हिदायत पाने वाला ही वही होता है, जिसको वो गुमराह कर दे तो ऐसे ही लोग खसारे में पड़ने वाले हैं। अल्लाह ताला अपने मशीयत बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की मशीयत क्या होती है, कि अल्लाह ताला उसी को हिदायत देते हैं जिसके दिल में हिदायत की तलब होती है, और जिसके दिल में हिदायत की तलब नहीं होती है तो अल्लाह ताला उसको गुमराह कर देते हैं, ऐसे लोग जो है वो खसाने में पड़ जाते हैं। पहले भी बात अल्लाह ताला ने बताई है पीछे, और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोजख के लिए पैदा किए हैं। अच्छा, यहाँ ये है कि इन लोगों की बात की जा रही है कि जो गलत काम करते हैं वो दोजख का हिस्सा बन जाते हैं। अल्लाह ताला को पता होता है, अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर लिखी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी तो तकदीर में लिखा हुआ था। इसकी एग्जांपल को हम इस तरह समझते हैं कि एक टीचर है, ठीक है, टीचर को पता होता है कि ये स्टूडेंट है और एक ये स्टूडेंट, दो स्टूडेंट है, और उसको पता होता है, कैसे पता होता है कि अगर एग्जाम मैं दूंगी तो ये वाला बच्चा जो है इस बच्चे से अच्छा करेगा, ठीक है, इसके मार्क्स अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि वो टीचर वो आपको जानती है, पूरे साल से वो जान रही होती है। या अगर माँ बाप होते हैं तो उन्हें पता होता है कि अगर दो बच्चे शिकायतें लिखे आएंगे तो एक बच्चे ने शरारत की होगी और एक बच्चे ने नहीं की होगी, क्योंकि वो माँ बाप है, उनको एक बच्चे की फितरत पता है। इसी तरह अल्लाह ताला जिसने हमें पैदा किया तो उसको कि हमारी फितरत नहीं पता होगी। तो जब अल्लाह ने तकदीर लिखी तो फिर अल्लाह ने इंसान को दो रास्ते दिए, सही और गलत, और अल्लाह को पता था कि अपने इल्म की बिना पे कि वो शख्स अच्छा रास्ता अख्तियार करेगा या वो शख्स बुरा रास्ता अख्तियार करेगा। जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, जिनकी आंखें ऐसी हैं जिनसे नहीं देखते, और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते, ये लोग चौपायों की तरह है बल्कि ये इनसे भी ज्यादा गुमराह और ज्यादा गुमराह है, यही लोग गाफिल हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक पता हो जाता है अल्लाह ताला को कि कौन से लोग दोजख में जाने वाले हैं, कौन से जो है वो जन्नत में जाने वाले। अब आगे मजीद जो है उनकी सिफात बयान कर दी गई हैं कि जो है वो आंखों से वो देखते नहीं है, वो हक को समझते नहीं है। यानी आंखें कान दिल ये अल्लाह ने किस लिए दिए, ताकि अल्लाह ताला की कायनात की और जो है वो निशानियों पर गौर करें, उनसे फायदा उठाए, अपने परवरदिगार को समझें, उसकी आयात का मुशाहिदा करें और सुने, किस चीज को सुने, हक को सुने, और उसके ऊपर फिर दिल से अमल करें। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है
ये लोग अल्लाह की बात को नहीं सुनते, गफलत में पड़े रहते हैं। अल्लाह ताला ने इनको किस चीज़ से जो है वो रिलेट किया, किस चीज़ से एग्जाम्पल दिया है कि चौपाए मतलब ऐसा जानवर जो अपने जो चार पाओं पे खड़ा होता है उसकी तरह है, यानी उनको कुछ समझ ही नहीं होती। एक गाय है एक भैंस है, उसको क्या समझ है, उसको कोई समझ नहीं। ठीक है, उस चीज़ से जो है उनकी एग्जाम्पल दी है गई है कि ये बिल्कुल इन्हीं की तरह गाफिल है, इन्हीं की तरह गफलत में पड़े हुए हैं, उन्हीं की तरह जो है वो गुमराह हुए हैं। जबकि चौपाए को तो फिर कुछ शऊर होता है कि मैं इधर से जाऊँ या लाइक कि गाड़ी आएगी तो आवाज से वो रुक जाएगा या उसका मालिक उसको मारेगा फिर चल पड़ेगा। लेकिन ये लोग कैसे हैं कि अपने मालिक अपने अल्लाह की निशानियां देखते हैं, अजाब देखते हैं, नेमतें देखते हैं, उसके बावजूद भी वो अल्लाह की तरफ नहीं पलटते। وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ। अब यहाँ पे जो है टॉपिक चेंज होता है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है हमें अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए, और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो इन नामों से अल्लाह ही को मौसूम किया करो। यहाँ पे अल्लाह ताला के नामों की बात आ रही है कि अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नाम हैं, उनकी सिफात की वजह से, उनकी अजमत और जलालत की वजह से, कुदरत की वजह से, ताकत की वजह से। और सही है इनकी हदीस में इनकी तादाद 99 है, और कहा जाता है कि जो इनको शुमार करेगा, जो इनको याद करेगा जन्नत में दाखिल होगा। ठीक है, और ऐसे लोगों से भी ताल्लुक ना रखो जो इनके नामों में कज रवि करते हैं। कज रवि का मतलब क्या है? कजरवी का मतलब यहाँ पे यह है कि तीन सूरतें हैं। ठीक है, या तो अल्लाह के नामों को जो है वो तब्दील कर दिया जाए, जैसे मुशरिकीन ने किया, मसलन अल्लाह के जो जाती नाम है उससे अपने एक बुत का नाम बना लिया था, लात थे ना उनका एक बुत था लात, तो उसने क्या किया कि अल्लाह के जाती नाम को अपने एक बुत का नाम दे दिया। या इसके सिफाती जैसे अल्लाह का एक सिफाती नाम है अजीज़ुन, अजीज से उन्होंने उज़्ज़ा बना लिया था। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि या अल्लाह के नामों में से अपनी तरफ से इजाफा कर लेना जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, यानी अल्लाह का जो नाम है उसको और जो है वो उसमें इजाफा कर देना किसी भी चीज का, तो वो भी मना किया गया है, या इसके नामों में कमी कर दी जाए। ठीक है, तो या जो अल्लाह ने अपना नाम दिया है उसमें कमी कर दी जाए, तो ये भी इसी चीज में आती है कि इसके नामों में कजरवी करते हैं। और या फिर ये किया जाए कि एक नाम अल्लाह ताला का अच्छा समझा जाए कि हाँ ये नाम अल्लाह का है, अल्लाह की सिफत है, लेकिन दूसरे नाम को नहीं माना जाए कि नहीं ये हम इस नाम को हम नहीं मानते, तो ये कजरवी के अंदर आ जाती है सारी चीजें। और जो गुमराह लोग होते हैं ये उनका तरीका होता है, और अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिया है कि हमें इन चीजों से बचें, जो अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है उन्हीं से हम जो है अल्लाह को पुकारें खासतौर पर दुआओं में, और जो भी ऐसा करेंगे अल्लाह ताला उसको जरूर सजा देंगे। आयत नंबर 181। और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी भी है जो हक के मवाफिक हिदायत करती है और इसके मवाफिक इंसाफ भी करती है, और जो लोग हमारी आयात को झुठलाते हैं हम इनको बतदरीज गिरफ्त में लिए जा रहे हैं इस तौर पे कि इनको खबर भी नहीं, और उनको मोहलत देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही बात दोबारा हो रही है कि अल्लाह ताला बतौर इम्तिहान जो है वो इम्तिहान लेता है लोगों का, कौमों का, और फिर क्या होता है कि जब वो बात नहीं सुनती, हक को नहीं मानती, तो फिर जो अल्लाह की आयत को झुठलाते हैं तो फिर क्या होता है अल्लाह एक हद तक जो है उसको मोहलत देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनका जो है वो अल्लाह ताला इम्तिहान ले लेते हैं और उनके ऊपर अजाब आ जाता है। आयत नंबर 184। क्या इन लोगों ने अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबहुम मिन जिन्ना इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन। क्या इन लोगों ने इस बात पर गौर न किया कि इनके साथी को जरा भी जुनून नहीं। इनके साथी से क्या मुराद है यहाँ पे? नबी सल्लम की बात की जा रही है कि वो लोग कहा करते थे नबी सल्लम को कि ये तो ये साहिर है, जादूगर है, मजनून है। तो यहाँ पे इस बात की तरदीद की जा रही है कि क्या इन लोगों ने इस बात पर गौर ना किया कि इनके साथी को जरा भी जुनून नहीं, वो तो सिर्फ एक साफ साफ डराने वाले हैं। और क्या इन लोगों ने गौर नहीं किया आसमानों और जमीन के आलम में और दूसरी चीजों में जो अल्लाह ने पैदा की हैं, और इस बात में कि मुमकिन है कि इनकी अजल करीब ही आ पहुंची हो, फिर कुरान के बाद कौन सी बात पर ये लोग ईमान लाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मुश्रिकीन थे नबी सल्लम को नाऊज़ु बिल्लाह कभी साहिर कभी मजनून कहते थे, तो अल्लाह ताला ने इस बात की यहाँ पे तरदीद कर दी और कहा है कि ये तो हमारे पैगंबर है और मेरे ही हुक्म से जो है वो लोगों को डराने के लिए आए हैं। और फिर आगे कहा जा रहा है कि अगर ये लोग अहले मक्का जो थे मुश्रिकीन जो थे कि अगर ये गौर करें तो यकीनन अल्लाह पर ईमान लेके आ जाए, रसूल की तस्दीक भी कर दें और उनकी अताअत भी कर लें, लेकिन क्योंकि इन्होंने अल्लाह के शरीक बना रखे हैं तो ये उसी चीज़ में पड़े हुए हैं, और हो सकता है कि इसी हालत में यानी कुफर की हालत में ही इनको मौत आ जाए।
हदीस उनसे यहाँ पे क्या मुराद है, आयत नंबर 185 है, यहाँ पे मुराद है कुरान करीम। यानी अब ऐसा क्या होगा, यानी ऐसी क्या क्या बात होगी कि ये इस चीज पर ईमान भी आए, इनके ऊपर परेशानियां भी आ गई, खुशियां भी आ गई, गम भी आ गए, रसूल भी आ गए, सब चीजें आ गई, उसके बावजूद भी ये कुरान पर ईमान नहीं ला रहे। तो ऐसा क्या वक्त आएगा कि ये ऐसा क्या होगा कि ये कुरान पर ईमान, अब किस किस चीज का इनको इंतजार है कि वो उस चीज के बाद ईमान लेके आए। आयत नंबर 186, जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे इसको कोई राह पर नहीं ला सकता, अल्लाह ताला और अल्लाह ताला इनको इनकी गुमराही में भटकने के लिए छोड़ देता है। यानी वही बात कि अल्लाह ताला इनको हिदायत इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हिदायत चाहते ही नहीं है और इसी दिराह पे आना ही नहीं चाहते, तो इसलिए अल्लाह ताला इनको मजीद मजीद गुमराही में मुब्तला कर दिया है। आयत नंबर 187, ये लोग आपसे क़यामत के मुतालिक सवाल करते हैं कि इसका वक़ू कब होगा, फरमा दीजिए इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है, इसके वक्त पर इसके सिवा अल्लाह के सिवा कोई जाहिर ना करेगा, वो आसमानों और जमीन में बड़ा हादसा होगा। यानी यहाँ पे क़यामत की बात हो रही है, वो तुम पर मोहिज अचानक आ पड़ेगा, वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप इसकी तहकीकात कर चुके हैं, आप फरमा दीजिए इसका इल्म खास अल्लाह ही के पास है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। सार का मतलब क्या होता है, घड़ी या पल, यानी क़यामत को सार भी कहा गया है, ठीक है, कि वो पूछ रहे हैं कि वो कहते थे ना ये लोग मुश्किन मक्का के, अगर आप सच्चे नबी है तो आप जाके क़यामत ले आए, ठीक है, अगर हम इतने बुरे हैं, अगर हम गुनाह करें तो हम पे क़यामत क्यों नहीं आती, अज़ाब क्यों नहीं आता। वो पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, तो नबी सल्लम कह रहे हैं कि मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, असल इल्म जो है वो अल्लाह के पास ही, और क़यामत अचानक ही आ जाएगी, उससे पहले कोई जो है वो मोहलत नहीं मिलेगी कि एक दिन के बाद आएगी क़यामत, दो दिन के बाद, हमेशा अचानक ही क़यामत आ जाएगी। और इसका इल्म ना किसी नबी को है ना किसी रिश्ते को है, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के खास है और वो मुकर्रर वक्त पे अपना इल्म से वो जाहिर कर देगा। आयत नंबर 144 188, आप फरमा दीजिए कि मैं खुद अपनी जात सिफात के लिए किसी नफा का अख्तियार नहीं रखता और ना किसी जरूरत का। यानी नबी सल्लम से जब उस तरह के सवाल करते हैं कि जैसे कि आपको कोई गैब का इल्म है, तो नबी सल्लम क्या कह रहे हैं कि मैं तो खुद अपने बारे में नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला, मुझे खुद अपने किसी नफा और नुकसान का अख्तियार नहीं है, मगर इतना ही है कि जितना अल्लाह ने चाहा। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे खुद अपने बारे में नहीं पता, सिर्फ उतना ही मुझे पता होता जो अल्लाह ताला मेरे पर वही करते हैं, अगर मैं गैब की बातें जानता तो मैं बहुत से मुनाफे हासिल कर लेता और कोई नुकसान मुझको ना पहुंचता। यानी अगर वो नबी सल्लम कह रहे हैं अगर मुझे खुद पता होता कि मैं गैब क्या है तो मैं खुद अपने आप को फायदा पहुंचाता, नुकसानों से बच जाता, लेकिन असल इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो सिर्फ डराने वाला और बशारा देने वाला हूँ, या तो मैं तो अल्लाह के हुक्म से आया हूँ, अल्लाह की आयात में बता रहा हूँ, अल्लाह से डरा रहा हूँ, आखिरत से डरा रहा हूँ और खुशखबरी दे रहा हूँ तुम्हें जन्नत की, अगर तुम ईमान रखते हो, उन लोगों को जो ईमान रखते हैं। आयत नंबर 189, अल्लाह ताला ऐसा है जिसने तुमको एक तने वाहिद से पैदा किया और इसी से इसका जोड़ा बनाया। अच्छा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि आदम अलैहिस्सलाम से जो है पूरी नस्ल निकली है, तो एक के तन वाहिद से पैदा किया और फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया, यानी फिर से हजरत उनसे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हवा निकली थी और एक जोड़ा बनाया था ताकि वो इस अपने जोड़े से उंस हासिल करें। यहाँ पे क्या बात की गई कि जो एक जोड़ा होता है, कपल होता है, वो आपस में एक दूसरे के लिए इत्मीनान और सुकून का बायस होना चाहिए, ठीक है, और इसके लिए क्या जरूरी है, इत्मीनान और सुकून के लिए जरूरी है कि आपस में इंसान के प्यार और मोहब्बत हो, इज्जत हो, और ये अल्लाह की तरफ से ये एक फितरी तकाजा है जो अल्लाह ताला ने जो है वो एक कपल के अंदर रख दिया है, और ताकि वो इससे उन हासिल करे। फिर जब मियाँ ने बीवी से कुर्बत की तो इसका हमल रह गया हल्का सा, सो वो इसके लिए हुई चलती तो इसको लिए हुए चलती फिरती रही। यानी भी बता रहे कि मियाँ बीवी के रिलेशन के बाद क्या हुआ कि वो औरत जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद फिर वो किस तरह वो क्या होता है कि वो यानी 9 महीने तक वो उसको लेके चलती फिरती रहती है। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह से जो इनका मालिक है दुआ करने लगे, अगर तूने हमको सही सालम औलाद दे दी तो हम खूब जो है वो शुक्रगुजारी करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है भोजन होने से क्या मुराद है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है यानी विरासत का वक्त करीब आ जाता है तो फिर वालदैन के दिल में क्या ख्यालात आने लगते हैं और थोड़े से खतरात आने लगते हैं, तोहमात होने लगते हैं ना, ठीक है, तो इंसानी फितरत के मुताबिक फिर वो क्या करते हैं, वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं कि अल्लाह ताला हमें साथ खैरियत के साथ एक नेक औलाद दे, जिंदगी वाली औलाद दे, और फिर वो दोनों अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से अहद करते हैं कि जब हमारे पास ये जब औलाद आ जाएगी सही सालम तो हम आपकी शुक्रगुजारी करेंगे। फिर क्या होता है, सो जब अल्लाह ने इन दोनों को सही सालिम औलाद दे दी तो अल्लाह की दी हुई चीज में से वो दोनों अल्लाह के शरीक करार देने लगे, सो अल्लाह पाक है इनके शरीक से। यानी अल्लाह ताला ने इस आयत में पिछली आयत में बता दिया कि जो है वो इंसान की तखलीक कैसे हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, फिर उनके बाद हजरत हव्वा निकली, फिर उसके बाद जो है वो मजीद तखलीक बढ़ती गई। फिर अल्लाह ताला ने क्या बताया कि मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होता है, आपस में मोहब्बत होती है, उनस होता है, इज्जत होती है, और फिर ये दोनों इस चीज के जिम्मेदार होते हैं कि आगे नस्ल बढ़ाई जाए, जब नस्ल आगे बढ़ती है और फिर वो जब नस्ल बढ़ती है आगे जब उनकी औलाद होने
होने लगती है तो वो क्या दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम तो हम आपके बहुत शुक्र गुजार रहेंगे, लेकिन जब औलाद हो जाती है तो उनका रवैया क्या होता है, वो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम इसको अल्लाह के शरीक करार देने लगते हैं, उनका सही नाम नहीं रखते, अच्छा नहीं नाम रखते हैं, और खासतौर पर जिसने यहाँ पे बताया गया है कि इमाम बख्श नाम रख दिया, इमाम बख्श ये एक शिरकिया नाम है, या और भी बहुत से नाम होते हैं, किसी बुजुर्ग की नजर कर देते हैं, किसी बुजुर्ग के ऊपर नाम रख देते हैं, ठीक है, और या ये कहते हैं कि हम किसी बुजुर्ग की खबर पे गए थे तो उनकी जो है रहमत हुई है हमारे पर, उसकी वजह से बच्चा पैदा हुआ है, या फिर जो है वहां पे मतलब इसी तरह की डिफरेंट जो चीजें होती हैं, यानी जो शिर्क वाली चीजें होती हैं वो इंसान वो करने लगता है, जबकि अल्लाह ताला तो हर शिर्क से पाक है। क्या ऐसे शरीकों को शरीक ठहराते हो जो किसी चीज़ को पैदा ना कर सकते हो, हालांकि खुद ही पैदा किया गया है, यानी अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम ऐसे लोगों के पास जाते हो क्योंकि वो तो खुद मुर्दा हो चुके हैं, अगर किसी खबर वाले के पास जाते हैं तो वो तो खुद ही जो है वो किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते, तो वो उनसे तुम कैसे दुआ मांग सकते हो, यानी वो खुद ही अब जिंदा नहीं है, वो खुद किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, ना वो खुद पैदा किए गए हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाके तुम लोग शिर्क क्यों करते हो, क्यों ऐसे लोगों से जो है मदद मांगते हो। आयत नंबर 193, और अगर तुम इनको अगर तुम इनको कोई बात बतलाओ तो बतलाने को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर ना चले, यानी अगर तुम उनको पुकारोगे भी किसी चीज के तो तुम्हारे कहने पर नहीं चलेंगे, वो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे क्योंकि वो तो जिंदा ही नहीं है, तुम्हारे एतबार से दोनों अमर बराबर है, ख्वाह तुम इनको पुकारो या खामोश रहो, यानी यह कहा जा रहा है कि अगर तुम इनको पुकारोगे तो भी वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, अगर तुम उनको नहीं पुकारोगे तो भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि वो तो मुर्दा है, तो ऐसे लोगों को तुम क्यों पुकारते हो। आयत नंबर 194, वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम ही जैसे बंदे हैं, सो तुम इनको पुकारो, फिर इनको चाहिए कि तुम्हारा कहना कर दे अगर तुम सच्चे हो, यानी जब वो लोग जिंदा थे, जिन लोगों के ये पैरवी कर रहे हैं, इनकी खबरों पे जा रहे हैं, अगर जब वो जिंदा थे तो अब तो तुम खुद इनसे ज्यादा कामिल हो, यानी कि अभी उस वक्त वो जिंदा थे, ठीक है, लेकिन जब वो गुजर गए, जब वो मर गए, तो अब क्या है, अब तो तुम उनसे ज्यादा पावर में हो ना, खुद तुम हर चीज देख सकते हो, लेकिन जबकि वो तो अब देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, कामिल से मतलब क्या है कि अब तुम उनसे ज्यादा पावर में हो, अपना वो सुन सकते हैं ना वो देख सकते हैं, जबकि तुम देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, किसी बात का जवाब भी दे सकते हो, वो किसी बात का जवाब भी नहीं दे सकते। अगर मुशरिकीन की बात करें तो ये जो है ये मूर्तियों को जो पूजा करते थे तो वो भी जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे, नूह अलैहिस्सलाम की जो है ना पूजा करना शुरू कर दी थी, नूह अलैहिस्सलाम उनके जमाने के जो नेक लोग थे उनके उन्होंने बुत बना दिए थे, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे, ठीक है, जैसे बहुत सारे सालिहीन गुजरे हैं, सलफ सालिहीन गुजरे, हमारे क्या होता है कि उनके मजार बना दिए जाते, तो असल में वो खुद तो नेक थे, उन्होंने तो नहीं कहा था कि मेरी इबादत करना इतना जो है वो मेरे ये बना देना मजार वजार बना देना, तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि वो लोग खुद तो नेक थे, उन्होंने इस काम का हुक्म नहीं दिया, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो तुम उनसे मांग रहे हो तो ये गलत चीज है, अब तो ना वो सुन सकते हैं, ना वो जवाब दे सकते हैं, ना ही वो तुम्हारी किसी बात पे अमल कर सकते हैं कि वो तो, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने जो है शिर्क की तुम्हें तलखीन नहीं की थी। आयत नंबर 195, क्या इनके पांव हैं जिनसे वो चलते हैं, या इनके हाथ हैं जिनसे वो किसी चीज को थाम सके, या इनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हो, या इनके कान हैं जिनसे वो सुनते हो, आप कह दीजिए तुम सब अपने शुरका को बुला लो, फिर मेरी जरा रसानी की तदबीर करो, फिर मुझे मोहलत मत दो। यहाँ पे फिर वही बात की जा रही है कि अगर तुम सच्चे हो तो फिर जो है तुम अपने जो भी तुम्हारे शरीक हैं जिनको तुम अपने शरीक शहर ठहराते हो अल्लाह के साथ, तो फिर तुम उसको जो है हम सबको अल्लाह के सामने ले आओ, यकीनन मेरा मददगार अल्लाह ताला है जिसने किताब नाजिल फरमाई और वो नेक बंदों की मदद करता है, ठीक है। अच्छा, आयत नंबर 197, और तुम जिन लोगों को अल्लाह की छोड़कर और तुम जिन लोगों की अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते, ना वो अपनी मदद कर सकते हैं, यानी कहा जा रहा है कि जो अपनी मदद करने पर कादिर नहीं हो तो वो भला दूसरे की मदद क्या करेगा। आयत नंबर 193 के अंदर भी वही आयत नंबर 198, एक मिनट प्लीज, एक सेकेंड मुश्तबा, जी आयत नंबर 198, और इनको अगर कोई बात बताने को पुकारो तो इसको ना सुने, और इनको आप देखें कि गोया वो आपको देख रहे हैं या कुछ भी नहीं देखते, यानी वही मफहूम है कि ये लोग ना सुन सकते हैं ना जवाब दे सकते हैं, फोन कर लो, ना सुन सकते हैं ना जवाब दे सकते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को क्या क्या जरूरत है पुकारने की, और अल्लाह को ही पुकारना चाहिए। आप दरगुजर को इख्तियार करें, नेक काम की तालीम दें और जाहिलों से किनारा कश करें, ठीक है। यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि एक सेकंड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप इन लोगों से दरगुजर से काम लें, ठीक है, और नेक काम की इनको तालीम दें और जाहिलों से किनारा किश अख्तियार करें।
लेकिन अगर फिर भी वो आपकी बात ना माने तो आप इनसे जो है वो एराज पर रखने, और मेरे ख्याल से एक चीज जो है यहाँ पे जी ठीक है आयत नंबर 200, और अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह की खूब पना मांग लीजिए। यानी नबी सल्लम को कहा जा रहा है कि शैतान जो है आपको परेशान करेगा, वसवसे डालेगा, तो इस मौके पे शैतान आपको इश्तियाल पिलाने की दिलाने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करें, अल्लाह की पना तलब करें। यकीनन जो लोग खुदा तरफ से जब इनको कोई खतरा शैतान की तरफ से आ जाता है तो वो याद में लग जाते हैं, तो यकायक इनकी आंखें खुल जाती है। इसके यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अहले तक्वा की बात हो रही है कि वो हमेशा शैतान से चौकन्ना रहते हैं, और वो हर जो भी अपना अमल कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि कोई शैतान का वसवसा तो नहीं, कोई उनके दिल में शैतान वसवसा तो नहीं डाल रहा, तो जैसे ही उनको लगता है तो उनकी आंखें खुल जाती हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन वो लोग जो शैतान के ताबे होते हैं वो उसी गुमराही में पड़े रहते हैं, उससे बाहर नहीं आते। लेकिन जो लोग शैतान के ही मानने वाले होते हैं तो उनको इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि ये शैतान की तरफ से वसवसा है क्या, वो गुमराही में ही पड़े रहते हैं। आयत नंबर 203, और जब आप कोई मौजजा इनके सामने जाहिर नहीं करते तो वो लोग कहते हैं कि आप ये मौजजा क्यों नहीं लाए। वही बात हो रही है बार बार कि वो किसी सूरत जो है बात मानने को तैयार नहीं थे, हमेशा ये कहते थे कि मौजजा क्यों नहीं लाए और क़यामत कब आएगी, इस तरह की बातें करते। तो आप फरमा दीजिए कि मैं इसका इत्तबा करता हूँ, मैं उसकी पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से हुक्म है। ये गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से, और हिदायतें और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नबी सल्लम क्या कह रहे हैं कि मैं तो उसी चीज़ की पैरवी करता हूँ कि जो मेरे रब ने मेरी तरफ से भेजी है, और इसी के अंदर ही अल्लाह ताला ने सारे दलाइल कुरान में भेज दिए हैं। तो और ये हिदायत किसकी तरफ से, जो भी मैं कहता हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं कहता बल्कि अल्लाह की तरफ से कहता हूँ जो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए मुझ पर भेजा है। وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ। और जब कुरान पढ़ा जाया करे तो इसकी तरफ कान लगा दिया करो और खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत की जाएगी। उन काफिरों से कहा जा रहा है कि जब कुरान पढ़ा जाता था या तो वो क्या करते थे, उस वक्त शोर मचाया करते थे और अपने साथियों से कहा करते थे कि कुरान मत पढ़ो, मत सुनो और शोर करो। तो उनसे कहा गया है, और ये इसमें हमारे लिए भी जो है वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो, खामोश रहो। क्यों? क्योंकि उस वक्त अल्लाह की रहमत होती है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत से नवाज देगा और यूं तुम रहमत इलाही के मुस्तहिक बन जाओगे। ये बात हमें खुद भी कहने समझ करना चाहिए कि जब भी कुरान पढ़ा जा रहा हो तो हमें उसको खामोशी से सुनना चाहिए, चाहे वो नमाज हो चाहे वो कुरान हो, तो हमें हमेशा खामोशी से ही नमाज सुनने का या कुरान सुनने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, और ऐ शख्स अपने रब के, अच्छा यहाँ पे जो बात हो रही है शायद में 205 में, यहाँ पे सुबह शाम के असकार की बात हो रही है मेरे ख्याल से जी। ऐ शख्स अपने रब की याद किया करो अपने दिल में आजजी के साथ और खौफ के साथ और जोर की आवाज की नस्बत कम आवाज के साथ सुबह और शाम और अहले गफलत से मत होना। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुबह और शाम के जो असकार होते हैं उसकी बात हो रही है कि जो है वो अपने रब को याद करो सुबह और शाम के असकार के साथ और आजजी के साथ भी, खौफ के साथ भी। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी बात है, यकीनन जो तेरे रब के नजदीक है वो उसकी इबादत से तकबुर नहीं करते हैं, इसकी पाकी बयान करते हैं, उसको सजदा करते हैं। आयत सजदा आ गई है यहाँ पे कि जो अल्लाह के करीब होना चाहते हैं वो उसकी इबादत करते हैं, वो तकबुर नहीं करते और उसकी पाकी बयान करते हैं और सजदा करते हैं। जी शाजी, आप कंटिन्यू करेंगे सूरह अनफाल से? ये हो गया मिस। قالوا لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون। يسألونك عن الأنفال, ये लोग आपसे غنیمتوں کے حکم دریافت। अच्छा, पीछे आयत सजदा गुजरी है, थोड़ा सा उसका बता दूं।
सजदा जो है आयत सजदे पे सजदा करना होता है, वजह ये होती है जब ये तिलावत की जाती है तो जो जिस जो शख्स भी या जो मौजूदात जो है हमारे इर्द गिर्द, कोई दरख्त है, कोई पेड़ है, कोई पेन है, कलम है, लैपटॉप है, मोबाइल है, अल्लाह जानते हैं किस तरह सजदा करते हैं। जब ये सजदे की आयत सुनते हैं तो ये अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। हम इंसानों पर भी है कि हम भी सजदा करें, पहली बात। दूसरी बात, इसके वाजिब या सुन्नत होने में इख्तिलाफ है, तो हनफी कॉल के मुताबिक वाजिब है आपको लाजिम करना है, बाकी जो है उसमें यह सुन्नत है, दिल चाहे तो करें, दिल चाहे तो ना करें। अच्छा जी, सजदा करने के लिए अभी दिल चाहे तो करें, दिल चाहे तो ना करें, इसमें एक चीज कि हर सजदे से एक गुनाह मिटता है, हर सजदे से एक दर्जा बुलंद होता है। जब आयत सजदा आती है तो जरूर हम ये सोच लें कि एक गुनाह मिटाना है, एक दर्जा बुलंद करना है, और जब सजदा करते हैं आयत सजदा या वैसे सजदा करते हैं तो शैतान शदीद अफसोस करता है कि मुझे सजदे का हुक्म मिला और मैं नहीं कर सका, और इब्ने आदम को सजदे का हुक्म मिल रहा है तो वो सजदा करता है। ये बात हो गई। अच्छा, सजदा करने के लिए क्या कंडीशन है? हर कंडीशन में सजदा कर सकते हैं, बगैर वजू के भी कर सकते हैं, हालत जनाबत में, हालत हैज है, क्योंकि ये निफली सजदा है। ठीक है, निफल इबादत से तो नहीं अल्लाह ने हमें रोका। फिर डायरेक्शन अच्छी बात है, आपको पता है, नहीं पता है तो आप कहीं भी रुख करके डायरेक्शन करके सजदा कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि आप पूरा सजदा नहीं करने की कंडीशन में, जैसे आप अभी बैठी हुई हैं या किचन में काम कर रही हैं, तिलावत चल रही है और सुनने वाला पढ़ने वाला दोनों सजदा करेंगे, तो तिलावत चल रही है तो उस कंडीशन में आप सिर्फ अपना गर्दन झुका के हल्का सा बॉडी को बेंड करके और दुआ पढ़ सकते हैं, वो भी आपके सजदे का पूरा हो जाएगा कि आप झुक गए, क्योंकि आप उस कंडीशन में आप फौरन से सजदा नहीं कर सकती। आयत सजदा की आयत सजदा में दुआ है, चाहें तो उसे याद कर ले, और अगर याद नहीं है वैसे तो याद करें, चाहे तो क्या याद करना चाहिए लाजिम, और लेकिन अगर अभी फौरन से याद नहीं और करना चाहती हैं आप सजदा, तो सजदा तो अल्लाह के लिए, जो दिल चाहे अल्लाह की तारीफ करते, सुभान रब्बी अला कहते, ठीक है। लेकिन सजदे की दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है वही असल तरीका है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाइए, उस दुआ को याद कर लीजिए, मिल जाएगी किसी भी किताब में आसानी से। सूरह अनफाल की बात हो रही है, थोड़ा सा जहन में बना लीजिए, सिनेरियो बना लीजिए। मदनी सूरह है, सूरह अल बकरा के बाद नाजिल हुई। अच्छा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम हिजरत करके गए हैं तो 2 साल बाद लगभग बदर हुई है, गज़वा बदर का इसमें तस्करा, ठीक है। तो जब बदर हुई तो माल गनीमत जमा, माल गनीमत जमा हुआ तो सवाल पैदा हुआ कि माल किसका, माल गनीमत क्या होता है? अनफाल निफल से, निफल का मतलब होता है इजाफी, तो ये माल अब सहाबा कराम का, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो नहीं था कि ज़र बख्तर थी और वो थे तलवारें थी और दूसरे जो खाने पकाने का सामान लाते हैं मवेशी होते हैं, क्योंकि जब वो होता तो लश्कर की कंडीशन में होती थी ना, पहले जंग ऐसे तो नहीं होती थी कि जहाज उड़ कर आया, बम गिरा दिया, तो वो काफी सारा उनका पीछे सामान लेकर आते थे, जो भी आता था लड़ने के लिए वो सारा माल था माल गनीमत। तो उसकी तकसीम कैसे होनी, पिछली शरीयत में होती थी, माल गनीमत लोग नहीं ले सकते। अब क्या है यहाँ माल गनीमत का क्या किया जाए? या सलून का आने लाल, ये सवाल करते हैं कौन, सहाबा कराम आपसे गनीमतों का दरियाफ्त करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा दीजिए कि आप फरमा दीजिए कि गनीमत अल्लाह की और रसूल की है, सो तुम अल्लाह से डरो और अपने बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करो। क्या बताया जा रहा है? माल गनीमत अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह को तो नहीं पहुंचेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे डिटेल आ जाएगी अगली सूरतों में से किसी सूरत में, आप ने भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, उसके हिस्से किए, मुजाहिदीन को दिए, रिश्तेदार गरीबों को, मसाकीन, अल्लाह और उसके रसूल के लिए क्यों है? इसलिए कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर खुशाए। मुजाहिदीन को कह दिया गया माल गनीमत है, बड़ी अट्रैक्शन है, लेकिन इसके लिए जिहाद नहीं करना, इसलिए कह दिया गया लिल्लाहि व रसूल, अल्लाह के लिए उसके रसूल, इसको जहन से निकाल दो। शहादत के लिए मैदान जंग में उतरना, अनफाल के लिए मत उतरना। मुनाफिकीन के बारे में पीछे देख कर आए, वो बार बार कहते थे माल गनीमत में से हिस्सा दो, क्योंकि वह अनफाल के लिए मैदान में उतरते थे। करने वाला काम क्या है? बत्तको, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, अपने बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करो, और अल्लाह ताला और इसके रसूल की इताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। ये 3 चीजें हैं, मैदान जंग में उतरेंगे, तकुल्लाह अल्लाह का तकवा, असली मुजाहदा बैनकुम, आपस में मजबूत कोऑपरेशन, एक मुजाहिद दूसरे मुजाहिद के साथ प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, मिलजुल के लड़ रहे हैं, ठीक है, और अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत, और ये 3 चीजें क्या है? इनको तो मोमिनीन ईमान की शर्त है, ठीक है। अब अगली आयत बहुत ही जबरदस्त है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब तिलावत की जाती है इनके सामने अल्लाह की आयत, यानी कुरान पढ़ा जाता है, ज़ादतहुम ईमाना, तो वो कुरान इनके ईमान में इजाफा कर देता है। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कल करते हैं। मोमिनीन की सिफात यहाँ आई है शुरू में, अभी आगे भी आ जाएंगे जब ये सूरह खत्म होगी, तो पूरी सूरह सूरह अनफाल मोमिनीन की सिफात के बीच में ब्रैकेट कर दी गई। अगर आपसे कोई पूछता है मुसलमान और मोमिन में क्या फर्क है, तो वो आपको ये सूरह समझा देगी क्या फर्क है। मोमिन की एक सिफत क्या है कि जब उसके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो
उसका दिल कांपने लगता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग बुजुर्ग मैंने देखे जो रो रहे थे कुरान सुनकर, उनकी समझ नहीं आ रहा था कुरान में क्या है। ये भी ईमान। और अगर आपका ईमान कमजोर है, मेरा कमजोर है, नहीं आंखों में आंसू आते कुरान सुन के, तो हमें चाहिए कि हम कुरान को समझें। शायद उसके माना समझे तो हमारी आंखों में आंसू आए। समझने के लिए हम कुरान से जुड़ेंगे, जब कुरान से जुड़ेंगे तो अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल होगी और अल्लाह की रहमत हमारा शरह सदर करेगी इस्लाम के लिए। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं आयत नंबर 3 पर। अल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून, ये वो लोग हैं जिन पर जब अल्लाह की आयत पढ़ी जाती है तो ये अगले पेज पर, दिस इज द पेज, ये वो लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं और हमने जो इनको कुछ दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। मोमिनीन की सिफात है, उलाएका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, ये मोमिन है जो पक्के मोमिन। तो क्या कहें, कुरान दिल पर असर करता है, मोमिनीन की सिफात क्या है, और नमाज कायम करते हैं और खर्च करते हैं। अब कुछ सिफात हैं जो आगे आएंगे आखिर में। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, और उनके लिए दरजात हैं उनके रब के पास। मग़फ़िरतुन व मग़फ़िरत है, वरिस्कुन करीम, वरिस्कुन करीम में तीन चीजें मिलती हैं। तीन चीजें दुनिया में कर रहे हैं, तीन चीजें आखिरत में, और बहुत कुछ भी है। दरजात, दर्जे बहुत बुलंद होंगे। अल्लाह जो गलतियां कभी कोताहियां हो जाएंगी मोमिन बनने के रास्ते में, अल्लाह उनको माफ फरमाएगा। और रिस्क करीम, इज्जत वाला रिस्क, जरूरी नहीं है दुनिया में इज्जत वाला रिस्क फास्ट फूड का है, वो इज्जत वाला रिस्क नहीं है। आपके पेट में जाके गड़बड़ करेगा। एक रिस्क हासिल करने के लिए, कमाने के लिए, आपके ऊपर आप जब जॉब करते हैं, आपके ऊपर जो बंदा है आपको उसकी 10 बातें सुननी पड़ती है, कभी कभी गलत बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी आपको जिल्लत उठानी पड़ती है। दुनिया का रिस्क रिस्क है, लेकिन आखिरत का रिस्क असल में रिस्क करीम है। कम आखिर जगह रबू का मेम बैठी के बिलहक। अब यहाँ से क्या बात हो रही है, यहाँ से जंगे बदर के हवाले से थोड़ी सी तमहीदी आयात है। मैं थोड़ा सा सिनेरियो समझाऊंगी ताकि आपको आयात समझ आए। जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक के साथ आपको रवाना किया और मुसलमानों की एक जमात इसको गिरा समझती थी, तो कुरैश से जब अच्छा जी जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक के साथ आपको रवाना किया और मुसलमानों की एक जमात इसको गिरा समझती थी, कुरैश से जब जंग की बात हुई है तो कुछ मुसलमान इस पर एग्री नहीं थे। थोड़ा सा सिनेरियो समझ लें। मक्के से हिजरत करके मुसलमान मदीने आ गए। मदीने में तकरीबन 2 साल रुके हैं। रमजान का महीना 17 या 18 रमजान को गालिबन, 17 रमजान को शायद गालिबन ये जंगे बदर हुई है। अब अबू सुफियान वहां से काफिला नहीं निकला, मुसलमान अपना सारा सामान वहां छोड़कर आ गए थे। तो रिवायत में मिलता उसी सामान को जमा करके एक काफिला तैयार किया जो सीरिया गया तिजारत, अबू सुफियान की कयादत में। अबू सुफियान उस काफले को लेके गया, जब वापस आया तो कमा कर आ रहे थे, तो बहुत ज्यादा उनके पास माल दौलत थी। वो तो करीब मदीने के बिल्कुल करीब तो नहीं, लेकिन पास से एक तरह से कह लेते गुजर रहे थे, नशेली इलाका वहां से वो गुजर रहे थे। तो अबू सुफियान को ये खदशा हुआ कि मुसलमान हमें ना लूट ले, तो उसने मक्का खबर भिजवाई कि हमें प्रोटेक्शन के लिए भेजो कि ये मुसलमान हम पर हमला ना कर दे। वहां मक्का के बड़े बड़े सरदार सारे जमा हुए, तो वैसे ही बड़े अपने आप को दिलों में लेकर बैठे हुए थे, और अबू लहब भी था और उतबा बिन रबी भी था, बड़े बड़े जो सरदार थे वो सारे जमा हुए। उन्होंने काफिला तैयार किया, लगभग 1000 का काफिला था। वो वहां से चले और उन्होंने गिलाफ काबा पकड़ के जाना, अबू जहल गिलाफ काबा पकड़ के उसने जो है ना अल्लाह से दुआ की, अल्लाह जो हक पर है ना उसको कायम रखना, जो बातिल है उसको मिटा देना। वो दुआ वगैरह करके ढोल ताशे बज रहे हैं और बड़ा लंबी डिटेल है बहरहाल उसकी, वो सारे वो ड्रम बज रहे हैं, औरतें भी साथ हैं और रक्स भी हो रहा है। वो बड़े इतराते हुए चले और वहां से बदल। अब मुसलमानों के पास 2 चॉइसेस थी, एक तो ये कि जाके काफिला रोक लें, क्योंकि मुसलमानों का ही माल था और मुसलमानों को इस वक्त बहुत जरूरत थी इन चीजों की, इन पैसों की बहुत जरूरत थी। उनके पास सवारियां तक नहीं थी, तलवारें नहीं थी, कुछ नहीं था। दूसरा ऑप्शन ये था कि जाके बदर में उनसे लड़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा कर रहे हैं सहाबा कराम से, तो सहाबा कराम क्या कह रहे हैं कि जंगी सामान की किल्लत है। तो मुसलमानों में से एक ग्रोह कह रहे हैं कि नहीं, हम उनसे लड़ने ना जाए, हम ये काफिले से जाके इसको लूट के सामान जमा करते हैं। युजादिलून का फिल हक, वो इस हक के बारे में, इसके बाद वो इस हक के बारे में इस झगड़ा कर रहे थे। हालांकि मा तबैना, जो पर वाजे हो गया, कानमा युसाकूना इलल मौत, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मौत की तरफ युसाक, जैसे हांकना कहते हैं जानवरों को, हांक करते हैं। यानी अगर वो कुरैश से लड़ने जाते हैं बदर में, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मौत की तरफ धकेला जा रहा है। वो हम यहाँ जरूर आपको देख रहे थे। वहीदा यादकुम अल्लाह, और अल्लाह और तुम लोग इस वक्त को याद करोगे जब अल्लाह ने इनसे 2 जमातों में से एक का वादा कर रखा था। अल्लाह ने कहा था कि तुम निकलो, तुम इन 2 में से एक लश्कर तुम्हारा है पक्का, तुम्हारे पास तलवारें नहीं है, तुम्हारे पास सवारी नहीं है, तुम्हारे पास कोई जंगी सामान नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होगी इन 2 में से एक लश्कर तुम्हारा है। अब देखो तुमने कौन से लश्कर की तरफ जाना है। अल्लाह का वादा था कि तुम्हारे हाथ आते 2 में से एक लश्कर तुम्हारे हाथ आएगा, और तुम इस तमन्ना में थे कि गैर मुसल्ला जमात तुम्हारे हाथ आए। वो चाह रहे थे कि ना अबू सुफियान वाले काफिले भी जाए, और अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि अपने काम से हक का हक होना साबित कर दे और इन काफिरों की जड़ काट दे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की चाहत ये थी। देखिए दुनिया में चॉइस दी जाती है, ठीक है,
चॉइस दी जा रही है, लेकिन असल में अल्लाह की हिकमत क्या है कि ये जाके कुरैश मक्का से लड़े। कुरैश मक्का में इस वक्त सारे बड़े बड़े सरदार वहां है, अगर इस मौके पे मुसलमान उनको कत्ल कर देते हैं तो पूरा अरब में मुसलमान की भाग बैठ जाएगी, ठीक है। लियुक्कल हक्का व यबतिल बातिल वलो करहल मुजरिमून, ताकि हक का हक होना और बातिल का बातिल होना साबित कर दे, ये लोग ये मुजरिम लोग नापसंद ही करें, चाहे मुजरिम लोग नापसंद करें। अच्छा ये बात समझ आ गई, जब उनको पता हो जाएगी मुसलमानों को तो हक वाजे हो जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इतनी कम फैसिलिटीज में जब ये जंग जीत जाएंगे मुसलमान, तो ये ना कि आपके पास वसाइल ज्यादा हो, वसाइल कम है, 313 के लगभग निकले वो 1000 के लगभग, इनके पास गिनती के ऊंट थे, हर एक के लिए ऊंट भी नहीं था, हर एक के लिए इवन तलवार भी नहीं थी, 313 तलवारें भी नहीं, कैसे लड़े होंगे सोचिए आप। आयत नंबर 9, इस तस्तगीसून रब्बुकुम फस्तजाब लकुम, अल्लाहू अकबर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात जागे, जिस दिन अगले दिन बदर हुई है, और दरख्त के पास सारी रात दुआएं करी, सहाबा कराम को अल्लाह ने सुला दिया फ्रेश करने के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात दुआएं करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे इस वक्त को याद करो जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको 1000 फरिश्तों से मदद करूंगा जो लगातार चले आएंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, बदर में जीतने के कुछ असबाब थे, इसमें पहली दुआ पहले सबब हमें ये नजर आ रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात दुआ की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना परेशान हुए थे देख के, एक लम्हे पे आकर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूलल्लाह बस बहुत हो गया, सोचे कोई सारी रात बंदा रोता रहे सजदे कर क्या कैफियत होगी। और अल्लाह ताला ने ये इमदाद महज इसलिए की कि बशारत हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए, और मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है जो कि जबरदस्त और हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ने इत्मीनान के लिए कहा कि 1000 फरिश्तों को मारूंगा, अदरवाइज तो अल्लाह एक बंदा खड़ा कर दे वो एक बंदा 1000 को मार दे तो इत्मीनान हो जाता, हमें भी पता चल जाए हाँ कोई आ रहा है हमारे घर में, हमारे घर दावत है, कोई दोस्त जल्दी आ रही है वो थोड़ा मेरे साथ सिमटवा लेगी, तो मुझे लगता है मैं सुकून में आ जाती हूँ, उस सुकून में आने की वजह से मैं और स्पीड में काम करने लगती हूँ। तो असल मदद अल्लाह की है, ठीक है, असल मदद अल्लाह की तरफ से। इस वक्त को याद करो जब तुम जब अल्लाह तुम पर ऊँट तारी कर रहा था और अपनी तरफ से चैन देने के लिए, वही बात हो गई कि मुसलमानों को अल्लाह ने सुला दिया जबकि बहुत टेंशन थी, बहुत परेशान थे, तादाद कम थी, देख लिया था कि इतने लोग हैं ये हालात है, लेकिन अल्लाह ने उन्हें सुकून दे के सुला दिया। सेम ऊँट कहाँ आई थी, उहद में भी आई थी, जंगे उहद में भी, लेकिन वो थोड़ी देर की थी। और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था, इस पानी के जरिए तुम पाक कर दे, तुमसे शैतानी वसवसा दफा कर दे। अब ये जब हुक्म हुआ है बदर वाला तो कुछ सहाबा कराम हालत जनाबत में थे, अब वहाँ ऐसा नहीं था हमारी तरह हम जाके शावर खोलेंगे और नहा लेंगे, पानी का इंतजाम करना पड़ता था, तो वो हालत जनाबत में थे, गुस्ल नहीं किया हुआ था उन्होंने, लेकिन जब ये हुक्म आ गया तो फौरन निकले जल के लिए, तो उनके दिल में शैतान वसवसा डाल रहा था कि तुम्हारा पैगंबर तुम्हें कहाँ उठा के ले आया, इतनी जबू हाली वसाइल नहीं है, पानी नहीं है, तुम नहा भी नहीं सकते, पानी भी नहीं था ना, बदर का कुआं जो था ना उन्होंने आके जहाँ कयाम किया उनके पास कुआं था, उनके पास पानी भी था, बदर का कुआं मशहूर है आपको पता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, पानी बरसा दिया, फिर ये थोड़ी ऊंची जगह पर नशीली जगह पे थे तो उनकी इनकी जमीन तो बैठ गई पानी की वजह से, और जहाँ पे वो लोग थे वहाँ पर एक सा कीचड़ हो गया, तो अल्लाह की ये भी एक मदद है, और ताकि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे, तुम्हारे पाँव जमा दे, ठीक हो गया। ये हमने डिस्कस कर लिया। अगली आयत, आयत नंबर 12, अगले पेज पे, इज यू ही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फसब्बितु अल्लदीना आमनू, और जब वही कर रहा था तेरा रब फरिश्तों की तरफ कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फसब्बितु अल्लदीना आमनू, तो तुम भी बात करो जमा दो उन लोगों को जो ईमान लाए, सऊती फी कुलूबिल लदीना कफरू रुअब, मैं यकीनन डाल दूंगा वो लोग जिनके दिलों में कुफ्र है, मैं उनके दिलों में मुसलमानों का रोब डाल दूंगा, फद्रिबू फौकल अनाक, तो मारो इनके अनाक पे इनकी गर्दनों पे, इनकी फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया गया सजा देने वाले हैं, हरकतों की वजह से बस इनको चाहिए कि चखें ये अजाब, और बेशक काफिरीन के लिए अजाब है आग का। या अय्युहल लजीना आमनू इज़ा लकीतुमुल लजीना कफरू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो जब तुम मिलो उन लोगों से इनके साथ ज़हफ़न, ए ईमान वालों जब तुम काफिरों से दुबदु मुकाबिल हो जाओ तो इनकी पुश्त इनसे पुश्त मत फिरना। अब यहाँ हुक्म दिया जा रहा है कि जंग के दौरान भागना नहीं, अच्छा पीछे जब आए थे जो फरिश्तों से कहा जा रहा है इतनी सख्त उनको अहकाम दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, इस वजह से कि आप जहन में फौरन ले आए ये गालिबन 10 साल का मक्की दौर, गालिबन 10 साल की तकलीफें थी मुसलमानों की, 10 साल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इन्होंने तंग किया परेशान किया वो सब कुछ है, उसके बाद अब पहला मौका बन रहा है कि मुसलमान इनके दूबदू हैं और मुसलमान लड़ रहे हैं, वरना 10 साल कहते हैं ना कि पीटा गया जुल्म किए गए,
इसलिए फरिश्तों को ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी गर्दनों पे मारो, इनके एक एक जोड़ पे मारो, इनको लग पता जाए इन्होंने बड़े अरसे मुसलमानों पर जुल्म किए, बड़े अरसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है खिलाफ खड़े रहे ये, ठीक है। अब यहाँ जंग से भागने के हवाले से बताया जा रहा है कि मुसलमान जब मैदान जंग में उतरेगा तो अपनी पीठ नहीं फिरेगा, वो मैं ये वल्ली हूँ, और जो शख्स इनसे इनसे इस मौके पर पुश्त फिरेगा मगर हाँ जो लड़ाई की पैंथरा बदलता हो या अपनी जमात की तरफ पनाह लेने आता हो वो मुस्तस्ना है। यानी आप उनपे उनको कोई जंगी चाल के लिए एकदम से पीठ दिखा के भागे और वो ये समझे अच्छा ये तो भाग गए हम जीत गए, लेकिन आपका मकसद कोई जंगी चाल चलना तो आप पीठ फेर सकते हैं, अदरवाइज मैदान जंग में सीना बसीना होकर कानना हम बुनियान हम मरसूस बिल्कुल सीसा फिलाई हुई दीवार बन के लड़ना होता है। बाकी और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह के कदम में आ जाएगा, सो इसका ठिकाना दोजख होगा, वो बहुत ही बुरी जगह है। तो जो मैदान जंग से फिरेगा अपना रुख चला जाएगा जंग छोड़कर, तो उसके लिए क्या है जहन्नुम है। सो तुमने इसे कतल नहीं किया लेकिन अल्लाह ताला ने इनको कतल किया, बहुत प्यारी याद है फलम तख्तुलू हूँ वाला किन्ना कतला हूँ। तो मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम इनको नहीं मार रहे, तुमने ये जंग नहीं जीती, अल्लाह ने उनको मारा, अल्लाह ने तुम्हें जंग जिताई, वह मारा मैं जरा मई था और तुमने नहीं फेंका मगर अल्लाह ने फेला, वाला किन्ना रमा और अल्लाह ने फेंका, आप ने मुट्ठी भर मिट्टी लेके और ऐसे कुफार के लश्कर की तरफ फूक मार के उड़ाई थी, तो वो गर्द बन गई थी, वो गर्द कुफार के आंखों में जा पड़ी थी। जहन में रखिएगा कि तीन गुना ज्यादा है, वो 1000 है या 313 है, ये सारे असबाब देके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने स्पेशली मुसलमानों को जंग जिताई। और हमें ये चीज भी पता है जो हम पीछे देखकर आ चुके हैं कि अपने आप से डबल नजर आ रहे थे, ये भी एक अल्लाह ने मदद भेजी थी कि कुफार मुसलमानों को 2000 देख रहे थे और मुसलमान कुफार को 313 का डबल तकरीबन 600 कुछ देख रहे थे, ठीक है। तो ये रमायता की बात है, आगे वली युगली अल मुमिनीन मिनहु बलाअन हसना, ताकि अल्लाह आजमाए मोमिनों को नेक आजमाइश के साथ, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला बिलाशुबा अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। एक बात तो ये हुई और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने काफिर की तकदीर को कमजोर करना था, तो एक तो ये कि अल्लाह ताला मोमिनों की आजमाइश कर रहा था, उनको अच्छी आसानी मिल रही थी, सहूलत मिल रही थी, बड़े अरसे उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया, और दूसरा क्या था काफिरों को भी सजा देनी, तो दोनों हिकमतें थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी मदद कर रहे थे, कहते ना आसमानी मदद थी बदर में। इन तस्तफ्तीहू अगर उन्होंने फतवा मांगा है फकत जाकुमुल फतह, अगर उन्होंने फतह मांगी है तो देखो आगे अबू जहल ने जो कहा था मैंने बताया खिलाफे काबा पकड़ के कहा था ना, तो अल्लाह कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला मांगा था फतह मांगी थी तो जो हक पे है वो कायम है, और अबू जहल मर गया था इसमें कत्ल किया गया। वहीं तनता हो और अगर तुम रुक जाओगे फवा खैरुल लकुम, तो देखो तुम्हारे लिए बेहतर है, कुफार को कहा जा रहा है। वहीं तऊदू अगर तुम लौटोगे, नऊद हम भी लौटेंगे, ठीक है अगर तुम लौटोगे तो हम भी लौटेंगे। वलन तुगनी अनकुम फियतुकुम शैअन वलो कसरा, तो देखो तुम्हें तुम्हारी शिया कहते हैं ग्रुप को, तुम्हारे फियतुकुम शैअ और तुम्हारे जो लोग हैं इतनी ही कसरत इनकी क्यों ना, इतना ही बड़ा लश्कर तुम ले आओ तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। बेशक अल्लाह साथ है मोमिनों के साथ, लोगों जो ईमान लाए अल्लाह और उसकी रसूल की अता करो, वला तवल्लाओ और देखो मुंह ना फेड़ो, अनहु उससे किससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह नहीं फेड़ा, अंतुम तस्माउन हालांकि तुम सुनते हो, वला तकुनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्माउन, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने जिन्होंने कहा कि हमने सुना लेकिन वो सुनते नहीं। कौन है ये? यहूदी है, पीछे हम बनी इसराइल का पढ़कर आ रहे हैं, हजरत मूसा अलैहि सलाम कितना तंग कर रहे हैं, वाकया सुनाया गया ना, अब मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम भी उनकी तरह ना हो जाना, कि तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते रहो, कभी उनसे पीठ फेर लो, कभी उनसे कोई डिमांड्स करो। इन शरतुल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लदीन ला याकिलून, बेशक अल्लाह के नजदीक जानवरों से भी बदतर वो हैं जो सुनते नहीं, जो गूंगे हैं, जो बहरे, जो अकल से काम नहीं लेते। पीछे भी आयत आ गई थी और अब दोबारा ये आयत आ गई, दुनिया कमाने के लिए हमारी अकलें इल्ला माशा, कैसे कैसे पैंतरे बदलते हैं, कितना कितना सोचते हैं, लेकिन जब दीन की बात आती है सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। इसको जहन में रखिएगा इस बात को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि दुनिया के लिए सारी अकलें लगा रहे हैं ना, और जो दीन के लिए उनकी सारी अकलें सो जाती हैं और बिल्कुल वो हो जाते हैं जिसे कहते हैं सुन हो जाते हैं। जैसे अब क्लास लेनी है दिमाग दौड़ाएं, मैनेज करें अपनी चीजें, कुरान पढ़ना है दिमाग दौड़ाएं, अपनी चीजें मैनेज करें, अपनी अकल इस्तेमाल करें, किस तरह मैं कैसे सेटिंग बनाऊं अपनी, के मैं मिसाल के तौर पर हमारी ही क्लास है या कहीं और अब दौरा कुरान जा रही है, 1.5 घंटा 2 घंटा मैं वहां पूरी तवज्जो के साथ बैठ सकूं। अभी कोई दुनिया की पार्टी होगी कुछ होगी दिमाग दौड़ाएंगे ना, हम सारी चीजें मैनेज करेंगे, मैं डिस्टर्ब ना हूं, मैं मेकअप भी कर लूं, मैं तैयार भी जाऊं, मैं इतना टाइम निकाल लूं। अल्लाहु अकबर, दीन के लिए भी हमें अकल इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी ये आयत हो गई, आयत नंबर आ जाते हैं हम आयत नंबर 23 पर, और अल्लाह ताला इनमें से कोई खूबी देखता तो उनको सुनने की तौफीक दे देता, और अगर इनको और अगर इनको अब सुना भी दे तो जरूर रुगर्दानी करेंगे और बेरुखी करते रहेंगे। मुराद ये है कि जो हक की तलब रखता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सुना देता है, जो सुनना नहीं चाहता अल्लाह उसको नहीं सुनाता। आप किसी नेक काम का इरादा करेंगे अल्लाह रास्ते बना देगा, जब आप पहले ही दावत मिलते ही किसी चीज दावत के लिए नेक काम, फिर आप आए माए शायद करेंगी
रास्ते नहीं बनेंगे। यही बोले जी आमनुस तजीबुल्लाह वल रसूल, ए ईमान वालों तुम अल्लाह और रसूल के कहने को बजा लाओ, जबकि रसूल तुमको तुम्हारी जिंदगी बख्शिश की तरफ बुलाते हैं, और जान रखो कि अल्लाह ताला आदमी और उसके कल्ब के दरमियान नार बन जाता है। इतनी खतरनाक आयत है, अल्लाह खतरनाक कलब इस्तेमाल करे, हमारे अमाल ऐसे कि हमारे लिए ये बन गया है कि देखें क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि वअलमु अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व कल्बी, अल्लाह ताला इंसान के दिल और अल्लाह जो है पर्दा डाल देता है इंसान के दरमियान, उसके दिल के दरमियान। जब हम नेकी पे लब्बैक नहीं कहते ना, लब्बैक कहते को कहा जाता है कि जब रसूल बुलाए तो लब्बैक करो, जब हम नेकी का काम करना नहीं चाहते, नेकी के काम बार बार छोड़ते तो पर्दा आ जाता है हमारे दिल के, अल्लाह हायल हो जाता है, अल्लाह अपने आप को कह रहे हैं, अल्लाह ताला आदमी और इसके कल्ब के दरमियान आड़ बन जाता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद हायल हो जाते हैं कि हमें नेकी की दावत मिलती है, नेक कामों की उनसे तौफीक छिन जाती है, अल्लाह खुद आड़ बन जाता है इंसान के दिल के दरमियान और उसके दरमियान, इसको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे अपनी जिंदगी बेमकसद गुजार रहा हूँ, कैसे मैं वक्त नहीं निकाल रही अल्लाह के लिए, क्यों मेरी नमाजें जाया हो, क्यों मुझे रोजे नहीं रख पा रही, क्या है ऐसा मुझको, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि मैं हायल हो जाता हूँ इंसान और उसके दरमियान, वरना इलैही तुहशरून, और तुम सबको इलैही के पास जमा होना है। आयत नंबर 25, और तुम ऐसे बवाल से बचोगे जो खास करके सिर्फ इन लोगों पर वाकई ना होगा जो तुम में से इन गुनाहों के मुर्तकिब हुए। अच्छा जी, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आजकल के हवाले से, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्ना लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ासा, डरो उस फितने से जो सिर्फ उन लोगों पे नहीं आएगा जो उस फितने को कॉज कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब है, इससे मुराद है अगर माशरे में कोई ऐसा गुनाह हो रहा है जिसको हम रोक नहीं रहे, कह के भाई इनका मसला है करने को, तो उस फितने का असर हम पर भी आएगा, हमारी औलाद पर भी। अगर हम पड़ोसी देखते हैं कि वो अपनी औलाद को बिगाड़ रहे हैं या खुली फहाशी कर रहे हैं और हम जाके उनसे बात नहीं करते कि भाई इसको रोको, तो इसका मतलब ये हम सुने भाई अपनी जिंदगी के मालिक है, देखा जाएगा, खुद देखेंगे, उसका असर हमारी औलाद पे भी पड़ेगा, मुराद ये है। तो सिर्फ वो लोग उसका असर नहीं उठाएंगे जो उस फितने को कॉज कर रहे हैं, अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो उस फितने का असर आपके घर तक आएगा। वालमुल्लाह शदीदुल अकाब, और जान रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। वस्कुरु इदम तुम कलील, याद करो, अब ये सहाबा कराम को बताया जा रहा है कि याद करो उस वक्त जो तुम बहुत थोड़े थे, मुस्तदअफूना फिल अर्ज़, जमीन में कमजोर समझे जाते थे, मक्की दौर की याद दिलाई जा रही, मक्की दौर में तुम कितने थे और कितने कमजोर समझे जाते थे, जो दिल चाहता था, जिसका दिल चाहता था तुम पर जुल्म करता था, तुम डरते रहते थे कि लोग तुमको उचक ले जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें ठिकाना दिया, व अय्यदकुम, कहाँ ठिकाना दिया, मदीने में हालात फिर बहुत अच्छे, अंसार ने बड़ा अच्छा वेलकम किया, मुआखात हुई, खेतों में काम करने को मिला, सहाबा कराम को रोजी कमाने लगे, कोई दो वक्त की रोटी मिली, व अय्यदकुम बिनसरी, और उसने मदद की तुम्हारी अपनी नसर के साथ, कुवत के साथ, व रज़क़कुम मिन तय्यबात, और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें दी, तय्यबात, तुम्हें रिस्क दिया तय्यबात में से, लअल्लकुम तश्कुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो, या अय्युल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाहा व रसूलहू व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तअलमून, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म में जानते हुए खयानत मत करो, और अपनी काबिल हिफाजत चीज़ों में खयानत मत करो। खयानत से क्या मुराद है, क्या चीज़ रोकी जा रही है, इसका अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दें, एक तो सीधी अमानत जो कोई रख पाएगा उसके हवाले से बात है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें उस हुक्म को मानना है, उसको टालना नहीं है, ये भी खयानत है। वालम वालकुम वाला औलादुकुम फितना, जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है, वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास बड़ा अजर है। अब तकवे के फायदे के ऊपर बात होगी, अगली आयत आयत नंबर 29, ए ईमान वालो, या अय्युल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह यज़अल लकुम फ़ुर्क़ाना, जबरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो अगर तुम अल्लाह के तक़वा इख्तियार करोगे अल्लाह तुम्हारे लिए फुरकान बना देगा, क्या कर देगा, फर्क करने वाला दिल ऐसा बना देगा कि पता चलेगा ये गलत है मुझे नहीं करना, अपने अंदर फुरकान पैदा कर देगा अल्लाह, इसमें हिदायत भी आता है, इसमें नूर भी आता है, फुरकान के बड़े वसी माने। तो अगर हम अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, तकवा यानी अल्लाह के लिए काम करते हैं, अल्लाह से डर के कोई गुनाह छोड़ते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में कोई नेकी करते हैं, तो अल्लाह हमारे अंदर क्या करेगा, नंबर एक फुरकान बना देगा, वो यू कफिर हनकुम सही आती हूँ, तकवा इख्तियार करते में हम फिसलेंगे भी, गुनाह भी करेंगे, तो अल्लाह दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयों को, वही अगफर लकुम और बख्श देगा तुम्हें, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ली अज़ीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े फसल वाला है। बहुत प्यारी आयत है, वही जे हम कुरुबिक लदीन कफर लिय बितू का यकतुलू का युखरिजू, और जब मकर कर रहे थे वो लोग कि या तो क्या करें, वही इज़ियम कुरुबिका, और इस वाक्य का भी जिक्र कीजिए कि जब काफिर लोग आपकी निस्बत तदबीर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जब हिजरत से पहले तारुन नदवा में काफिरीन बैठकर आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दें, बहुत हो गई, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें,
कत्ल करने का मंसूबा था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे हजरत अली को लेटा के गए थे क्योंकि अमानतें थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वापस करनी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तो छोड़ के नहीं जा सकते थे हिजरत करते वक्त। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो क्या थे, कुफार तलवारें लेकर खड़े हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते उनको नजर नहीं आए, तो पहुंच चुके थे कत्ल करने के। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत याद फरमा दिला रहे हैं उस किस्से को कि जब वो कुफार तदबीर कर रहे थे कि आपको कैद कर लें, आपको कत्ल कर डालें, आपको खारिज वतन कर दें, और वो तो अपनी तदबीर पर सोच रहे थे, वयमकुरून वो तो तदबीर कर रहे थे, वयमकुरुल्लाह और अल्लाह भी तदबीर कर रहा है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो ये कहते हैं कि हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो इसके बराबर हम भी कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसनत बातें हैं जो पहलों में मनकूल चली आ रही है। कुरान के बारे में जो उनकी राय थी अल्लाह रब्बुल इज्जत वो बता रहे हैं। वस्कालू अल्लाहुम्मा इन काना हादा हुवल हक मिन इंदिक, और जबकि इन लोगों ने कहा कि ए अल्लाह, अभी किसके हवाले से, अबू जहल के हवाले से, वो जो काबा का गिलाफ पकड़ के उसने दुआ मांगी थी बदर पे निकलने से पहले, अगर ये कुरान नहीं, नहीं ये वो है अल्लाह अकबर जो इन्होंने अपने लिए अजाब की दुआ मांगी थी। और जब इन लोगों ने कहा कि ए अल्लाह अगर ये कुरान हक है, फअमतिर अलैना हिजारतन मिनस समा, तो आप हम अगर ये कुरान हक है आपकी तरफ से तो वाकई तो हम पर आसमान से पत्थर बरसाइए, हम पर कोई दर्दनाक अजाब वाकई कर दे। ठीक है, तो ये खुद इतनी सरकशी में बढ़ गए, कुरान जानते बूझते भी क्या कह रहे हैं कि अगर कुरान सच है और हम इसके इनकारी है ना, तो अगर वाकई ये सच है तो आसमान से हम पर पत्थरों की बारिश कर दे, और अगर और अल्लाह ताला ऐसा ना करेगा कि इनमें से आपके होते हुए इनको अजाब दे, तो कौम मक्का पर मक्का में रहते हुए अजाब क्यों नहीं आया? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट कर गए तो अजाब आया, क्या अजाब था? कहता आया फौरन इन पर, उनकी वो हालत हो गई कि ये चमड़ा उबाल के, चमड़ा जो होता है जिसके इनके टेंट बने होते थे, जिनके इनके लिबास बने होते थे, उसके टुकड़े काट कर उबाल कर उसका पानी पीने लगे, और इनकी आंखों के आगे धुआं आता था, इतनी कमजोरी हो गई कि आंख खोल के देखते तो इनको ऐसा लगता चारों तरफ धुआं, पत्ते खाए इन्होंने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही वहां से सामान भेजा काफले के जरिए, कुछ मदीने से भेजा, अबू सुफियान था उस वक्त, अबू सुफियान थे उस वक्त मक्का में मुसलमान नहीं हुए थे, तो फिर अजाब आया, फिर बदर का भी एक तरह से अजाब ही है ना, सारे मारे गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने कि हम मैं जब तक तुम मक्का में हो मैं इनको अजाब नहीं दूंगा, और दूसरी क्या वजह थी, और इस हाल में कि वो तौबा करते हैं, तो अब हमारे पास तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो हम अगर अजाब से बचना चाहते हैं तो क्या है उसके तरीका, कि हम इस्तिग़फ़ार करें कसरत से। और इनमें क्या बात है कि इनको अल्लाह ताला सजा ना दे, हालांकि वो मस्जिद हराम से रोकते हैं जबकि वो लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली नहीं, मस्जिद हराम से रोक रहे हैं, मस्जिद हराम जब उमरे पे आए हैं मुसलमान, रोका गया ना, वापस भेजा गया, तो वो मुतवल्ली नहीं है, फिर क्यों ऐसा करते हैं? इसके मुतवल्ली तो सिवा मुत्तकियों के और अशख़ास नहीं, लेकिन इनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते। मस्जिदों के मुतवल्ली किनको होना चाहिए? जो तकवे वाले, ठीक है। और इनकी नमाज काबा के पास सिर्फ ये थी, सीटियां बजाना और तालियां बजाना। वमा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअम व तस्दिया, यानी इनकी इबादत ऐसी है कि शोर गुल गुल का पाड़ा, ठीक है। सो अपने कुफर के सबब इस अजाब का मजा चखो, क्या हमारी कोई इबादत है तफरी वाली? मैं आपको बताऊँ कौन सी, कवालियाँ। कवालियाँ सुने आप, ऐसी तफरी आएगी आपको, तालियां बज रही होंगी, ढोल बज रहे होंगे, दफ बज रहे होंगे, अच्छा ये तो पुरानी बात होगी ना, अब बताएं कोई नई है तफरी वाली? आप आजकल की नाउज़ुबिल्लाह नाते सुने, आप ऐसे मगन हो जाएंगे, आपको एक लम्हे आप भूल जाएंगे कि नाद है, ठीक है। फिर और दूसरे आप देखें नई नई ईदें ईजाद हो गई, उसके ऊपर आप गलियों और सड़कों में देखें क्या गुलगपाड़े हो रहे हो, क्या शोर मच रहा होता है, डांस हो रहे होते हैं, स्टेज लग रहे होते हैं। आयत नंबर 36 पर आ जाते हैं, बेशक ये लोग काफिर लोग अपने मालों को इसलिए खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से रोकें, सो ये लोग तो अपने मालों को खर्च करते ही रहेंगे, फिर वो माल इनके हक में बाईस हसरत हो जाएगा, फिर मगरूब हो जाएंगे और काफिर लोगों को दोजख की तरफ जमा किया जाएगा। अब माल खर्च किया था बदर में निकले, बड़ा शान शौकत से निकले थे, अब अबू लहब की बीवी के गले में एक बड़ा कीमती हार था, वो हार की तरफ इशारा कर करके कहते थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की नऊज़ु बिल्लाह मुखालफत में मैं इस्तेमाल करूंगी इस हार को, ठीक है। अब आगे ताकि अल्लाह ताला नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाकों को एक दूसरे से मिला दे, बस इन सब के इकट्ठा ढेर कर दे, फिर इन सबको जहन्नुम में डाल दे, ऐसे लोग पूरे खसारे में। बदर का भी तदबीर और हिकमत बताई जा रही है कि बदर में क्या है, और जहन्नुम के हवाले से भी बात की जा रही है कि जहन्नुम क्यों बनाई गई, इसलिए कि अल्लाह पाक और नापाक अलग कर। और फिर ये इसमें एक लफ्ज आता है अरबी का फयर कुमा हूँ, फयर कुमा यरकम किसे कहते हैं, तह के ऊपर तह लगाना। तो जहन्नुम ऐसी है कि जहन्नुम ऐसा नहीं है ऊपर घर की तरह, जहन्नुम जैसे जमीन में देख गड़ी होती है ऐसे, और हम समझते हैं कि स्पेशियस सी होगी, जहन में ये आता है ना बहुत बड़ी है, स्पेशियस नहीं बहुत तंग है, जैसे जमीन दीवार में कील ठोकी जाती है ना, ऐसे जहन्नुम में, जहन्नुम में ठोके जाएंगे तह के ऊपर तह। फयर कुमा हूँ यानी एक तह डाली जाएगी जहन्नुम में, एक लेवल आएगा फिर खुद इतनी घुटी होगी तंग होगी, उसके ऊपर एक और तह जहन्नुम या भी डाल के उसको भर दिया जाएगा।
आप इन काफिरों से कह दीजिए कि अगर ये लोग बाज आ जाए तो सारे गुना जो पहले हो चुके हैं सब माफ कर दिए जाएंगे, और अगर अपने वही आदत रखें तो कुफार साबिकीन के हक में कानून नाफिज हो चुका है। ठीक है, यानी अगर अब भी बाज नहीं आ रहे हो तो फिर आगे अगर ये हरकत करोगे फिर ये अंजाम होगा। अब जंग के मकासद बताए जा रहे हैं, वकातिलुम हत्ता ला तकून फितना, इस्लाम में जंग किस लिए होती है, इस्लाम में इसलिए जंग होती है फितने का खात्मा किया जाए, कहीं पे कोई जुल्म हो रहा है और इस हद तक शदीद जुल्म हो रहा है कि मजलूमों को बिल्कुल रौंद दिया जा रहा है तो आप वहां जिहाद कर सकते हैं, जंग कर सकते हैं। दीन कुल्लहु लिल्लाह, और दूसरा मकसद क्या है कि सारे का सारा दीन अल्लाह के लिए हो जाए, फाइनता हो, फिर अगर वो बाज आ जाए फिर अल्लाह बिमा यअमलूना बसीर, तो अल्लाह ताला इन अमाल को खूब देखता है। फइन तवल्लौ, और अगर रूगरदानी करें, फअलमु तो जान अन्नल्लाह मौलाकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा मौला है, निअमल मौला व निअमल नसीर, कितना ही अच्छा कारसाज है और कितना ही अच्छा मददगार है। यहाँ तक हमें पता चला, अब आगे आयत शुरू होगी दसवां पारा, तो उसमें माले गनीमत का हिसाब बता दिया जाएगा कि किसको कितने मिलेंगे। बात शुरू हुई थी ना उसी से कि माले गनीमत किसका कितना है, कितना हिस्सा, तो वो अब दसवें पारे के शुरू में इंशाल्लाह माले गनीमत की तकसीम का कानून आ जाएगा, इंशाल्लाह इसे कल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। एक दफा हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, बार बार मुफस्सल सूरह का तज़किरा आता है, शुरू में भी पढ़ लिया करेंगे इंशाल्लाह, आखिर में भी बड़ा करेंगे। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.